आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आजकल जो कुछ चल रहा है, या पिछले काफी अरसे से मिडिल ईस्ट में, जाहिर बात है उसका ताल्लुक हम सभी इंसानों से है। यानी हर उस इंसान से है जिसके सीने में दिल है और वो धड़कता है इंसानियत के लिए। मैं भी उन्हीं में से हूँ, तड़पता हूँ, गौर करता हूँ। कई मौक़ों पर ये जो कुछ मेरी नज़रों के सामने आता है, मैं उनको ठीक से देख भी नहीं पाता। आँखों से आंसू आंसू जारी हो जाते हैं, तड़पता हूँ। कोई नहीं है जो इन बातों को समझे, गौर करे। देखें, पिछले तकरीबन 70 सालों से अरब कौम और यहूद कौम के दरमियान, दो कौमें हैं, कौम अरब और कौम यहूद के दरमियान मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, ये चल रहा है, इसको आप लोग एक गांव की मिसाल से समझें। देखिए, अकीदे के एतबार से यहूदी और फलस्तीनी, यानी यहूदी जो कि बनी इसराइल कहलाते हैं और फलस्तीनी आज अपने आप को चूंकि मुसलमान कहते हैं, तो इस एतबार से वो बनी इस्माइली कहलाते हैं। भाई, इनके अपने अकीदे के मुताबिक तो ये दोनों क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं। यानी ये जो गांव की मिसाल मैं देना चाहता हूं, उससे पहले मैं ये इसकी वजाहत कर दूं कि देखें, आज का जो उन्वान, जो टाइटल मैंने रखा है, यकीनन बहुत से लोगों को इसमें शायद बहुत आपस्ती होगी, बहुत जो है एतराज होगा, उनको ऑब्जेक्शन होगा कि ये इस तरह का उन्वान क्यों रखा है इसने। इस्लामी नफरतें, इस्लामिक हेटरेड, यानी नफरत करना तो हमें सिखाया जाता है। ये बात मेरे मुसलमान भाई आसानी से समझेंगे नहीं, हालांकि हकीकत यही है। भाई, एक मुसलमान रह चुका हूं मैं इतने लंबे अरसे तक, मुझे पता है कि अब जैसा स्क्रीन पर आप जिस शख्सियत की तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी पुरवजाहत शख्सियत, बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है उनका, बड़ी बड़ी आंखें हैं, दीदे वो बाहर निकाल निकाल कर लोगों को डराते रहे। जिंदगी भर उनका यही काम रहा, जिंदगी भर उनका यही काम रहा। देखें, ये एक हकीकत है कि हमें नफरतें सिखाई जाती रही हैं बचपन से। यानी एक मुसलमान घर में मुसलमान बच्चों को जाने अनजाने में नफरतें सिखाई जाती हैं। अब नफरत असल में किसी एक ऐसी चीज का नाम नहीं है जिसको मैं बताऊं कि जो है, हाँ भाई, ये नफरत है, लेकिन उसका जो माइंड सेट जो 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 होता है बच्चे का, जाहिर बात है उसके उस बच्चे के बड़े उसके दिमागों में, मासूम बच्चा है यार, 3 साल, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, उसको क्या पता, दुनिया का क्या पता। लेकिन तभी से उसके अंदर ये नफरतें डाली जाती हैं, नफरतों की तालीम, नफरतों की शिक्षा उसके अंदर जो है, यानी ऐसे अंदर डाली जाती है कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है इस नफरत को भी लेकर बड़ा करता है, क्योंकि बचपन ही से नफरत का बीज बोया जाता है उसके अंदर। तो अब ये बीज आगे चलकर उस बच्चे की उम्र के साथ साथ, उस बच्चे के जहन के साथ साथ, ये बीज एक एक जो है एक छोटा सा पौधा बनकर सामने आता है, इसकी कोंपलें निकलती हैं, वो पौधा जो है एक बड़ा जो है पेड़ बन जाता है, दरख्त बन जाता है, तनावर दरख्त समझे। लेकिन इसकी बुनियाद बचपन ही से,
بچوں کے دماغوں میں نفرت ڈال کر جو ہے نفرت کے بیج ڈال کر نفرت کے بیج ڈال کر جو ہے کی جاتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب لوگ کہیں گے کہ بھائی اسلامی نفرتیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے, حالانکہ کہنے کو تو جو ہے ہمارے مسلمان بھائی کہیں گے نہیں بھائی یہ اسلامی نفرتیں کہنا خود جو ہے دراصل یہ نفرت کا آپ کو بڑھاوا دینا ہے. حالانکہ نہیں, بات ایسی نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ بات بالکل اس کے الٹ ہے. قرآن مجید فرقان حمید پر بھی اگر غور کریں, اس کا مطالعہ کریں, انڈیپینڈنٹلی اس پر تدبر کریں, تو آپ کو یہ نقطہ صاف سمجھ آ جائے گا, صاف دکھائی دے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گی, آئے گی, مگر چونکہ آپ کے ذہنوں پر جو ہے یعنی ایمان کا یہ جو سایہ جو ہے مطلب آپ کے ذہن ایمان نامی ایک ایسے اندھیرے میں ہیں, آپ کو اس طرح سے جو ہے ورغلایا گیا ہے بچپن ہی سے, اور نفرت کے بیج کچھ اس انداز میں پیوست کیے گئے ہیں آپ کے ذہنوں میں, تو آپ کو میری یہ باتیں بالکل انوکھی لگ رہی ہیں, اچھمبا لگ رہی ہیں. حالانکہ ہاں کہ یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت ہے, بالکل حقیقت ہے. دیکھیں اگر میں جو ہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اسکالر سے جو ہے اگر یہ کہوں کہ بھائی آپ ذرا یہ بتائیں پورے قرآن سے, قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایسی ایک آیت بتائیں جس میں نہ ماننے والوں سے محمد کا محبت کا کیا ہے حکم دیا گیا ہو. کوئی ایک آیت بتائیں پورے قرآن کی, پورے قرآن میں سے کوئی ایک آیت بتائیں جس میں نہ ماننے والوں کے لیے محبت ہے. کوئی ایک آیت بتاؤ نہ ماننے والوں کے لیے محبت. بھائی ماننے والوں سے تو محبت ہیں, جو مومن ہیں ان کے لیے تو محبت ہیں, ان کے لیے تو اخوت, ان کے لیے تو اخوت ہیں, ان کے لیے تو بھائی چارہ ہے, ان کے لیے اپنائیت ہے, ان کے لیے رحمت ہے, ان کے لیے عنایتیں ہیں. لیکن نہیں ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, بلکہ نفرتیں ہیں. دیکھیں اب اگر جو ہے میں اپنے سامنے والے کو کتا کہوں, گدھا کہوں, بندر کہوں, خنزیر کہوں, سور کہوں, حرامی کہوں, باسٹرڈ کہوں, اس پر لعنتیں بھیجوں, اس پر ملامتیں بھیجوں, اس کے لیے نفرت کا کھلم کھلا اس طرح کے الفاظ کہہ کر اظہار کروں, اور وہ سامنے والا سنتا رہے سنتا رہے, الٹیمیٹلی اگر وہ شخص پلٹا کر یہی الفاظ میرے لیے دہرانے لگ جائے جو کچھ میں اس کو کہتا ہوں, اگر وہی باتیں وہ میرے لیے کہنے لگ جائے, تو اب میں اس پر کیا الزام لگاؤں گا؟ میں اس پر کیا ٹھپا لگاؤں گا؟ اسلاموفوب کا. میں کہوں گا یہ سامنے والا تو اسلاموفوب ہے. کیا ہے؟ اسلاموفوب ہے. کیوں؟ دیکھو مجھے ایسا کہہ رہا ہے. ارے بھائی اصل میں اس طرح کے کہنے کی چران, اس طرح کی کہنے کی شروعات تو تم نے کی ہے نا. نہ ماننے والوں کو گدھا کہنا, نہ ماننے والوں کو جو ہے نفرت کے انداز میں بندر کہنا, خنزیر کہنا, سور کہنا, لعنتی کہنا, ملامتی کہنا, حرامی کہنا, باسٹرڈ کہنا, بد اصل کہنا, اس کی شروعات کس نے کی؟ کس نے کی نا بھائی؟ میں نے کی نا. اب اگر سامنے والا پلٹا کر یہی الفاظ میرے لیے دہرانے لگ جائے تو میں چڑ کیوں رہا ہوں؟ میں ناراض کیوں ہو رہا ہوں؟ اس کی شروعات تو میں نے کی نا بھائی. آپ کو سمجھ آئی بات؟ اس کی شروعات میں نے کی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میری داداگیری کا یہ عالم ہے کہ میں تو اپنے سامنے والوں کے لیے جو مرضی کہتا رہوں, جو مرضی میں کہتا رہوں, لیکن سامنے والا پلٹا کر مجھے کچھ نہ کہے. اگر سامنے والا پلٹا کر مجھے کچھ بھی کہہ دے تو میں فوری اس پر ایک تھپا لگا دوں گا کہ تو تو اسلاموفوب ہے. تو اسلاموفوب ہے. سوچئے یہ کیسی تعلیم ہے بھائی,
ये कैसी आइडियालॉजी है भाई, ये क्या अंदाज है दुनिया में रहने का, ये अंदाज होता है? हालांकि ये अंदाज पिछली सदियों से, न जाने 14 सदियों से, 12 सदियों से, 13 सदियों से ये अंदाज चला रहा है, अपनी बात मनवाना, सामने वाले को मानने पर मजबूर करना, उसके लिए जानने की बात नहीं करना बल्कि मनवाने की बात करना, ये अंदाज रहा है। देखें, आप ये याद रख लें कि जो शख्स भी मनवाने की बात करता है तो यूं समझिए कि वो एक तरह से इंसानियत पर जो है जुल्म कर रहा है। हालांकि इंसान असल में जानना चाहता है, मानना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग जो आइडियोलॉजीज मनवाने पर मुसिर हैं, वो चाहते हैं कि जो है मनवाते रहें, तो इसका मतलब वो इंसानियत के खिलाफ हैं। मनवाना नहीं चाहिए हमें। और यहां हमारे हमारा मामला तो यह है कि हम सिर्फ मनवाने पर जो है रुक नहीं जाते। अगर जो है मैं मनवाता रहूं, सामने वाला अगर नहीं मानता, तो मैं उसके खिलाफ किसी ना किसी कार्रवाई पे जो है मैं जो है बिजी हो जाऊंगा। मैं उसके खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर दूंगा, उसके उस पर मैं हाथ उठाऊंगा, उस पर मैं तलवार उठाऊंगा, उस पर मैं हथियार उठाऊंगा। ये सारा सब कुछ रहा है, ये सब कुछ होता रहा है पिछले सदियों से, न जाने कितने अरसे थे, ये सब कुछ होता रहा है। हाँ, तो अब आप देखें कि यानी अकीदे के एतबार से, मैं जो कहना चाह रहा था कि अकीदे के एतबार से यहूदी हों या फलस्तीनी हों, या फिर या यहूदी को आप बनी इसराइली कह लें और फलस्तीनी चूंकि आज के जमाने में मुसलमान हैं, किसी जमाने में तो वो मुसलमान नहीं थे। आज से यूं समझिए 12 सदियां पहले फलस्तीनी लोग मुसलमान नहीं कहलाते थे ना भाई। हाँ, उनका अपना जो भी जो है, जो भी उनकी मान्यताएं थी, वो किसी ना किसी जो है अपने आप उस इलाके के जो खुदा थे उनको मानते थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि जो है इस्लामी लश्कर कशी, या फिर इस्लाम की जो है जो उस वो ताकत जो उस वक्त बढ़ती रही, इस्लाम का सूरज चमकता रहा, तो चढ़ते सूरज की हर कोई परस्तिश करता है, तो बहरहाल कोई ना कोई वजूहात थी, तो अल्टीमेटली वो फलस्तीन की वो आवाम, यानी वो क्या कर गए, वो इस्लाम कबूल कर गए। इस्लाम क्यों कबूल किए, इसके पीछे भी कई वजूहात हैं, बहरहाल ठीक है, इस्लाम मुसलमान बन गए। तो अब मुसलमान बनने के बाद तो अब ये फलस्तीनियों और जो है यहूदियों का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अकीदे के एतबार से ये बनी इसराइली और बनी इस्माइली आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं ना। इस्माइल हों या याकूब हों, ये दोनों तो हैं ही इब्राहिम की औलाद। इब्राहिम की औलाद है ना भाई, यानी ये दोनों कौमें इब्राहिम को अपना जद्द अमजद मानती हैं, बाबा आदम मानती हैं, यानी मतलब ये है कि सबसे पहले यानी मतलब इस आइडियोलॉजी की शुरुआत जो है करने वाले, मोनोथीज्म की शुरुआत का नाम। हालांकि देखा जाए तो यहूदी, ये बात मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं, यहूदी जो कौम है वो तौहीद के मामले में मुसलमानों से कहीं ज्यादा कट्टर है, ये बात याद रखें। यानी मुसलमान अभी कहीं ना कहीं शिर्क में मुब्तला होते हैं, लेकिन यहूदी जो कौम उनके अपने अकीदे के एतबार से वो मुसलमानों से कहीं ज्यादा मुवहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। और जाहिर बात है उनके जद्द अमजद कौन है, इब्राहिम है, और इस्माइली बनी इस्माइली जो है जो अकीदा रखते हैं अरब, या फिर जाहिर बात है उस आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो उनका ताल्लुक है इस्माइल से। तो इसहाक हों या याकूब हों या इस्माइल हों, ये सारे के सारे इब्राहिम की औलाद हैं। तो इस एतबार से भी अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में भाई भाई हुए ना, आपको समझ आ रही बात, ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। अब आप देखें कि जब ये नुक्ता आपके समझ आ जाएगा तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा, वो एग्जाम्पल है गांव की। देखें, किसी गांव में दो भाई अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, उनके आबा और अजदाद का जो घर था उसमें रहते थे,
बड़ा सा घर है। अब जानते हैं कि गांव के घर तो जो है कोई बहुत शानदार तो नहीं होते, एक बड़ा सा घर होता है, उसमें ये दोनों भाई रहते थे। तो अब ये उसमें से एक भाई किसी वजह से उसके साथ कुछ ऐसे हालात हुए कि उसको अपना ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। इस एग्जाम्पल पर, इस मिसाल पर गौर कीजिए, इससे आपको ये सारा टंटा समझ आ जाएगा। यानी एक भाई को किसी ना किसी मजबूरी के तहत अपना गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा, दूर चला गया। कहीं दूर चला गया बेचारा, भाई उसके साथ कुछ परेशानी हुई, ठीक है, छोड़कर जो है गांव छोड़कर चला गया। अब जाहिर बात है जाते वक्त कोई ऐसी लिखा पढ़ाई तो होती नहीं, गांव का माहौल है समझो कि भाई जो है मैं जा रहा हूं, इतने दिन के बाद मैं आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। रहते थे दो भाई एक साथ, लेकिन जो है किसी वजह से उसमें से एक भाई ये गांव छोड़कर चला गया, बहुत दूर कहीं चला गया। यानी सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, आप और से सुने। गया जाकर काफी अरसा, बहुत लंबे अरसे तक वो कहीं और इधर उधर जो है भटकता रहा, कहां कहां दर दर की जो है वो इधर उधर भटकता रहा, कहीं कहीं गया, कहीं गया, कहीं गया। यानी मतलब यह है कि वो भाई का मतलब यह है कि भाई की संतान भी होती रही, जाहिर बात है वक्त के साथ साथ उस भाई के जो गांव छोड़कर चला गया उसके बच्चे भी होते रहे, बच्चों के बच्चे भी होते रहे, बच्चों के बच्चे भी होते रहे। तो बहरहाल ये सारे लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे दुनिया में, लेकिन उनके साथ वक्त के साथ साथ इतना सब कुछ जो है जुल्म हुआ कि उनको अल्टीमेटली ये ख्याल आया कि भाई ये सब कुछ हमारे पास, हालांकि हम यानी जहीन कौम हैं, हम दुनिया को देने वाली कौम हैं, हम जो है किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, हम तो सबसे मिलजुल कर रहना चाहते, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ये सब कुछ होता रहा। तो उनको लगा कि भाई इसका एक रीजन यह है कि हमारा अपना घर नहीं है, हमें अपने घर में जाना चाहिए। तो उन काफी जमाने के बाद यानी उस भाई की संतानों को ये ख्याल आया कि नहीं, यानी कब तक आखिर हम जो है इस तरह की दर दर की ठोकरें खाते रहें, तो हमें जो है अपने घर जाना चाहिए। तो उनको ख्याल आया कि हमारा घर कहाँ है, अरे हमारा घर तो वो गाँव में था, वो फला गाँव में। तो चुनाचे क्या हुआ, तो फिर जो है उन्होंने आपस में ये तय किया, यानी उस भाई की संतानों ने काफी जमाने के बाद ये तय किया कि चलो भाई हम अपने गांव जाते हैं। जब वो उनकी संतानें इस गांव में आए, जब आए तो यहां के जो रहने वाले जो बाशिंदे थे इस गांव के, उन लोगों ने इन लोगों को मानने से या फिर कबूल करने से इनकार कर दिया, कहने लगे नहीं, तुम जो है तुम्हारा इस गांव पर या इस जगह पर कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई देखें हक तो है, क्योंकि देखें हमारे आबाओ अजदाद इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं, हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं की औलाद हैं। तो क्योंकि ये यहां इस गांव में जो रहने वाली जो जाहिर बात है वो भाई ना, तो अब वो भाई रहा ना ये भाई रहा, दोनों की संतानें हैं, दोनों की भी संतानें हैं। तो अब ये गांव में रहने वाली जो संतानें हैं उन्होंने कहा कि भाई ये गांव की देख रेख, इसकी रखवाली तो हम करते रहे, जाहिर बात है इस एतबार से इस गांव पर हमारा हक है, लेकिन वो लोग जो गांव छोड़कर चले गए थे वो संतानों का कहना है ठीक है, बात तो सही है, इस पर तुम्हारा हक है, लेकिन क्योंकि तुम और हम अकीदे के एतबार से भी या फिर जो भी हमारी जो है आबा व अजदाद से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर, यानी इस पर हमारा भी हक है तकरीबन आधा आधा। तो अब ये बातें जो है वो गांव में रहने वाले भाई की संतानों को हजम नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा हक हो ही नहीं सकता, इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, क्योंकि हम पिछले इतने अरसे से इस जगह इस गांव में हम रह रहे हैं। तो अब ये इस पर जो है झगड़ा शुरू हुआ। तो अब बहरहाल कुछ जो है उस इलाके के जो मुखिया होते हैं सरपंच, उनके यहाँ जो है ये केस ये मुकदमे को ले जाया गया। तो उस सरपंच ने ये फैसला किया कि हाँ भाई उसूली तौर पर इस पर तुम्हारा भी हक है और उसूली तौर पर इस पर तुम्हारा भी हक है, दोनों का हक है।
तो अब ये इसका फैसला ये हुआ कि दोनों के लिए ये गांव का आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा तुम्हारा, दोनों के लिए आधा आधा का फैसला, तकरीबन आधे आधे का, हो सकता है कुछ कमोबेश हुआ होगा, यानी यूं समझिए कि कुछ कहते हैं 47% 53% या कोई कहते हैं 45% 55%, बहरहाल जो भी है तकरीबन तकरीबन आधा आधा ये दोनों भाइयों की संतानों को ये हिस्सा मिला, ये गांव का हिस्सा। तो अब क्या है भाई, चल ठीक है अब मिल गया भाई, उसूली तौर पर दोनों का हक है, बात सही है, यानी ना अब वो जो है गांव छोड़कर जो संतान चली गई थी वो लोग भी ये नहीं कह सकते कि इस पूरी जमीन पर पूरे गांव पर मेरा हक है, और ना इस गांव के रहने वाले जो संतान हैं वो लोग भी ये नहीं कह सकते कि इस पूरी पूरे गांव पर हमारा हक है। दोनों के लिए इक्वल राइट्स की बुनियाद पर दोनों के लिए आधे आधे का फैसला हो गया, यानी उस इलाके के सरपंच के द्वारा हो गया ना। अब क्या झगड़ा है भाई, नहीं झगड़ा है, अब ये गांव के रहने वालों के संतानों में ये इस तरह के अनासिर भी जो है सामने आए। अच्छा, कुछ लोगों ने इस फैसले को कबूल कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे शरपसंद, ये उन्हीं की कोख से जन्म लेने वाले ये हैं जिसे आज हम हमास कहते हैं, जिनको आज हम हमास कहते हैं, हमास के नाम से जानते हैं। हमास किसी एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि एक फिक्र का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। वो आइडियोलॉजी के अनुसार, यानी वो ये चाहती है, वो आइडियोलॉजी मैंने हमास के क्या जो है उनकी क्या 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 आइडियोलॉजी है, अगर आपको समझना है जानना है तो आप जाएं अल जजीरा चैनल पर या और कई जगहों पर, आपको जो है गूगल करें आप तो आपको जो है हमास का चार्टर पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। हमास का चार्टर ये कहता है क्लियर कट के इस इलाके से एक एक यहूदी को चुन चुन कर जो है यहां से भगाना है, इसराइल नाम का वजूद मिटा देना है, यहां कोई इजरायली नहीं रहेगा, यहां कोई कोई जो है कोई यहूदी नहीं रहेगा, ये इलाका सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों का है। अब भाई इस तरह की सोच जब होगी, हालांकि फैसला हो गया है दोनों के लिए तकरीबन आधे आधे का फैसला हो गया है, अब दोनों कौमें दोनों भाई की संतानें अगर मिलजुल कर, यानी ये समझ कर के जो है हम दोनों आपस में अल्टीमेटली भाई भाई हैं, अकीदे के एतबार से भी हमारा ताल्लुक, हम दोनों का ताल्लुक किससे है, यानी एक खुदा से है, और अकीदे के एतबार से हमारा ताल्लुक इब्राहिम से है जो कि हम दोनों का जद्द अमजद है। अगर ये कौमें आपस में इस बात को फरोग देकर मोहब्बत की बात करते और आपसी भाईचारे से जो है रहते तो मैं समझता हूं कि जो है फलस्तीन इसराइल से पीछे नहीं रहता हर लिहाज से, लेकिन फलस्तीन की बदकिस्मती ये हुई, फलस्तीन की जो है ये एक बैड लक ये रहा अनफॉर्चुनेटली कि फलस्तीन को हमास जैसी आइडियोलॉजी वाले जो है लोग मिल गए और उनके जेर असर आज फलस्तीन का ये हाल है। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि यानी ये गांव की जो मिसाल मैंने दी है अगर आप इसको समझें इस पर गौर करें तो ये मामला इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था भाई। गांव में ऐसे हालात होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समझ लें आप, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यही तो होता है ना कि भाई यानी किसी की जायदाद है और उनकी औलादों में ये झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं भाई इतना इलाका मेरा और इतना इलाका तेरा, तो इस पर झगड़े हैं। तो ये है मतलब आप आज भी देखें कि जो है दुनिया की कितनी ऐसी अदालतें हैं वहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक आम सी बात है। तो ये फलस्तीन का मसला भी असल में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही से जो है रिलेट करता है। इसको अगर इस तरीके से हल किया जाता, इसमें समझदारी का दखल होता, इसमें आपसी भाईचारा और जो है यानी मिलजुल कर रहने वाली सोच अगर इसमें कार फरमा होती तो मैं समझता हूं कि ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। वक्त के साथ साथ यानी जिस तरह का तेल छिड़का गया, जैसी जैसी नफरतों की आग जो है इसमें भड़काई गई, और फिर जाहिर बात है कि जो है इस्लाम का मामला या अहले इस्लाम का मामला तो दे वन से
یعنی یہود کو لے کر جو نفرتوں سے بھرا ہوا ہے وہ ایک عجیب ہے، اب ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ دیکھیں ہمارے علاقے کے ایک بہت مشہور شاعر علامہ اقبال، ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے، وہ شعر بولنے اور سننے میں تو بہت مزیدار لگتا ہے، اور ہمارے مسلمان علماء بھی جو ہے اپنی تقریروں میں یعنی اس شعر کا استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو بھائی علامہ نے کیسی بات کہہ دی۔ وہ شعر کیا ہے؟ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ہسپانیہ کہتے ہیں اسپین کو، اسپین پر جو عرب کا حق کیوں نہیں ہے؟ وہ علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر جو ہے ان کا حق ہے، تو پھر اس کے اس اعتبار سے وائس پرسا جو ہے عرب کا اسپین پر حق ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر دیکھا جائے، پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو علامہ کی یہ بات بالکل غلط ہے، اصولی طور پر غلط ہے یہ بات۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عرب کے آبا و اجداد اسپین کے اصلی باشندے نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اسپین کے جو ہے اصلی باشندے عرب کے آبا و اجداد نہیں تھے، بلکہ قابض باشندے تھے، عربوں نے اسپین پر قبضہ کیا تھا، وہ وہاں کے اصلی باشندے نہیں ہیں، وہ وہاں کے نیٹیوز نہیں ہیں۔ یعنی عربوں کے آبا و اجداد نے جس طرح سے اب یہ اسلامک جو ہے جو فتوحات جسے کہتے ہیں اسلامی فتوحات، جو اسلام کا جو ہے اسلام کے ماننے والے دنیا میں ہر جگہ اسلام کا جو ہے ڈنکا بجا رہے تھے، بول بالا کروا رہے تھے، جس طریقے سے اسلام پھیلا یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے، اور بڑے کڑے سوالات، بڑے تیکھے سوالات اس پر اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یعنی یہ اسپین پر جو ہے جب عربوں نے قبضہ کیا، ظاہر بات ہے قبضہ کیا، اب عرب تو کہاں کے رہنے والے ہیں بھائی؟ جس علاقے کے رہنے والے ہیں تم لوگ یہاں سے اٹھ کر اسپین کیوں گئے بھائی؟ اسپین سے آپ کا کیا لینا دینا؟ ظاہر بات ہے اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر بات ہے قرآن کی آیتیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق، وہاں گئے اس طرح کی جو ہے اس طرح کی آئیڈیالوجی لے کر کہ ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ کیا کرو؟ جنگ کرو، قتال کرو۔ اس بنیاد پر گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی اس آئیڈیالوجی کو پھیلایا۔ ظاہر بات ہے اس وقت وہ طاقتور تھے، یعنی دنیا کے یعنی اس آباد دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر وہ قبضہ کر چکے تھے، تو اس وجہ سے بہت سے علاقوں پر یہ ہوا کہ لوگ ڈر کر ان کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جنگیں کی گئیں، یعنی جس طریقے سے یہ حلہ بولتے تھے، جس طرح سے یہ حملہ آور ہوتے تھے، تو اب سامنے والے جو ہے بہرحال ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا، یا تو پھر جو ہے الجزیہ دو، یا پھر جو ہے ان کے ذمی بن کر رہو، یا پھر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جنگ کرنے میں ہوگا کیا کہ بہت سی جانیں جائیں گی، اور الٹیمیٹلی جو ہے ان کو جیت تو نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان اس وقت بڑے دبدبے کے عالم میں تھے، تو ان سے پنگا لینے کی ہمت ہر کسی میں نہیں تھی۔ اس لیے بہت سارے جو ہے مطلب علاقے اسی وجہ سے فتح ہو گئے، بہت سارے علاقے۔ اب یہ اس میں ایران بھی ہے، اس میں ایجپٹ بھی ہے، اس میں شام کے علاقے ہیں، اس میں ایران کا علاقہ ہے، اس میں عراق ہے، اور پھر جو ہے ترکی کا علاقہ آنادول جسے کہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتے ہوتے اسپین تک پہنچ گئے۔ اس میں کیسے پہنچے بھائی؟ آپ کا کیا حق تھا؟ جس وقت آپ اسپین پر جا کر قبضہ کیے تھے، کیا آپ کے آبا و اجداد وہاں رہتے تھے؟ کیا آپ کے آبا و اجداد کی بستیاں تھیں وہاں پر؟ نہیں نا، اپنی ایک سوچ لے کر وہاں دبدبا، اپنا دبدبا قائم کرنے کے لیے اپنی دندناتی فوجیں لے کر، خون آشام فوجیں لے کر وہاں پہنچ گئے، سامنے والے جو ہے آپ سے دب گئے
और जो है वो अपने हथियार डाल दिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने कब्जा किया ना दुनिया को, दुनिया पर कब्जा करने का यही तो तरीका था आपके पास। यानी यूं कहते ना कि मतलब वो इनिशिएटिव वॉर, अरे भाई सामने वाले जैसे भी रह रहे हो, नहीं, हम जाएंगे वहां पर अपनी बात मनवाएंगे, वहां अपना झंडा गाड़ेंगे, वहां जाकर हम अपनी मस्जिदें बनाएंगे, वहां जाकर हम अपना, भाई ये जो सोच है ना, ये असल में ये हैवानी सोच है कुत्तों की। आपने देखा अगर ठीक है, यहाँ ये लफ्ज जरा बड़ा शदीद हो जाएगा, लेकिन आपने अगर गौर किया है तो देखें कुत्ते आपस में अपनी अपनी टेरिटरी बनाते हैं। यानी वो अपने इलाके में जाकर वो जो है किसी जगह पर, किसी दीवार पर या किसी जो है मुंडेर पर वो जाकर कुत्ता क्या करता है, पेशाब करता है, अपना निशान लगा देता है ये जताने के लिए कि ये टेरिटरी मेरी है। अब वो उस जगह पर कोई दूसरा कुत्ता उधर से आता है तो ये जो है अपने दांत निकालता है। क्यों? इसलिए कि इस कुत्ते की जो हैवानी सिफत है वो उसके मुताबिक जो है उसने ये फैसला कर लिया कि ये सारा इलाका मेरा है, मैंने अपने निशान लगा दिए। भाई इसी तरह के तो निशान लगाते रहे हैं ना, हर जगह जाना, वहां पर जाके वो कोने में जाकर जो है वहां पर एक जो है एक मस्जिद बना दी। क्या मतलब है इसका? यही तो निशान है, यही तो है और क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अरब के जो आबा व अजदाद स्पेन पर जो है कोई, यानी उनकी अपनी कोई उसूली मिल्कियत नहीं रखते थे, बल्कि क्या थे, काबिज बनकर गए थे। तो आज उन्हीं अरबों की औलादों का स्पेन पर कोई हक नहीं है। अल्लामा साहब, अल्लामा अगर जो है इस वक्त हयात होते तो मैं उनसे कहता कि आपने ये बात आखिर किस आधार पर, किस बुनियाद पर कही, मैं उनसे पूछता भाई स्पेन पर अरबों का हक आखिर किस बुनियाद पर है, भाई किस बुनियाद पर, क्या बुनियाद बता रहे हैं आप? समझो भाई आज के अरब का स्पेन पर क्या हक है, क्योंकि आज के अरब के आबा व अजदाद स्पेन पर कब्जा किए थे ना, कब्जा माफिया था उनका और कुछ भी नहीं। लेकिन यहूदियों का मामला ऐसा नहीं है फलस्तीन को लेकर, ना ऐसा नहीं है। फलस्तीन के वो इलाके जिसे यरूशलम कहते हैं या फिर जो है बैत लहम कहते हैं, कितनी ऐसी यादगारें हैं, कितनी ऐसी जो है वहां की मकामात हैं जिनका ताल्लुक बनी इसराइल से बराह रास्त है। अगरचे के मैं देखें तौरात में तो जो है ये पूरे के पूरे इलाके को बनी इसराइल से जोड़ दिया गया, और सिर्फ तौरात ही नहीं बल्कि कुरान ने तौरात की नकल की है, इसलिए वही बातें तौरात में आई हैं, कुरान में जो है कुरान में नकल की गई। और फिर जिस तरह से मैंने पिछले 2-3 स्ट्रीम में आपके सामने कुरान की आयतें, 20 आयतें पेश करके ये बताई कि ये सारा इलाका किसका है, किसको दे दिया गया, किसके लिए लिख दिया गया, किसको इसका वारिस बना दिया गया। ये तो जो है मैंने 20 कुरान की 20 आयतें पेश कर मैंने ये साबित किया है कि ये सारा का सारा इलाका यानी बनी इसराइल का है, कौम मूसा का है, यहूद का है, मैंने ये साबित किया। अब अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान की ये बातें या तौरात की बातें यानी उसूली तौर पर सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसके भी खिलाफ हूं, मैं इसके फेवर में नहीं हूं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई अगर मुकद्दस किताबों में ये सारे इलाके को किसी कौम के लिए अगर दे दिया गया तो ये उसूली तौर पर सही होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसूली तौर पर मैं इस तरह की बात के खिलाफ हूं, लेकिन मसला ये है कि जिन किताबों को, जाहिर बात है कुरान का मामला मुसलमानों के लिए मानने के हवाले से सबसे ऊंचे मकाम पर है ना, मैं सिर्फ मुसलमानों को शांत करने के लिए, मुसलमानों को अकल के नाखून दिखाने के लिए, मुसलमानों को जो है होश में लाने के लिए, मुसलमानों को जो है एक मॉडरेट करने के लिए मैं कुरान का रेफरेंस देता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुरान का रेफरेंस मैं क्यों देता हूं, क्योंकि कुरान को मुसलमान कुरान को मानने वाले होते हैं।
तो अब आप देखें कि मुकद्दस किताबों के अनुसार तो ये सारा इलाका ऑलरेडी यानी बनी इसराइल या फिर जो है कौम मूसा या कौम यहूद के लिए ऑलरेडी लिख दिया गया, ऑलरेडी इसमें कोई जो है अब दो राय नहीं हो सकती। मगर उसके बावजूद मैं चूंकि इंसान हूं और एक लॉजिकली जो है बातों को देखता हूं सोचता हूं, तो इसलिए मैं बात को समझाने के लिए मैंने जो है यहां पर एक गांव की मिसाल दी। तो अब अल्लामा इकबाल का यह कहना है कि है खाक फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पे हक नहीं, क्यों अहले अरब का? यह बात उसूली तौर पर सरासर गलत है, क्योंकि यहूद के आबा व अजदाद का यरूशलम और करान से बाकायदा ताल्लुक है। यहूद के या फिर बनी इसराइल के या कौम मूसा के आबा व अजदाद यानी इस कनान और यरूशलम के असली बाशिंदे रह चुके हैं ना भाई, जबकि अरबों का मामला स्पेन को लेकर ऐसा नहीं है। यानी इतनी मोटी बात अल्लामा जैसी शख्सियत को समझ नहीं आई, मुझे हैरत होती है यार, हैरत होती है। नाम इतना बड़ा है, अल्लामा इकबाल कहते ही लोगों की नजरें झुक जाती हैं और फिर जो है उन्होंने जो कह दिया आमन्ना सद्दकना ही वाली कैफियत होती है। मगर यानी सोच अगर आपके अंदर हो तो आप बड़े से बड़े शख्सियत, बड़ी से बड़ी किताब पर भी आप तनकीद कर सकते हैं आप, और ये करना चाहिए आपको अगर आप जिंदा हैं, आपका जहन अगर जिंदा है, आप जिंदा हैं, आपके अंदर अगर सोच है तो आप हर चीज का तनकीदी जायजा लें क्रिटिकली। तो देखें अल्लामा इकबाल, यूं तो जाहिर बात है उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लामा इकबाल का बड़ा नाम है, मगर उन्होंने अगर कोई जो है गैर उसूली बात कही तो मैं कहूंगा ये बात जो है सरासर उसूल के खिलाफ है, मैं कहूंगा। मुझ जैसा हर वो शख्स कहेगा दुनिया में जो सोचने वाला है, जो सोचता है उसूली बुनियादों पर सोचता है, भले वो अल्लामा इकबाल हो या कोई भी हो भाई तुर्रम खां, मुझे क्या, मुझे तो सच कहना है, सच कहने में मुझे कितनी दुश्वारी क्यों ना जो है मतलब मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं सच कहूंगा। अब आप देखें कि इस्लामी आइडियोलॉजी में कौम यहूद को लेकर जो शदीद नफरत पाई जाती है, यानी ये बात तो मैं साबित कर चुका कि जो है स्पेन पर अहले अरब का हक उसूली तौर पर नहीं है, जबकि जिस इलाके को कनान या फलस्तीन कहा जाता है या यरूशलम कहा जाता है उस पर कौम यहूद का उसूली तौर पर हक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा हक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसूली तौर पर हक है। अब वो कितना हक है ये आपस में, ये दोनों कौमें, जिस कौम को यहूद कहा जाता है, जिस कौम को फलस्तीन कहा जाता है, या फिर आज की तारीख में जो अरब हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, भाई ये लोग आपस में मिल बैठ कर इसका फैसला करें। तो बहरहाल जो है आखिरकार ये इसका फैसला हुआ। और जिस खित्ते को इज़राइल कहा गया, खुद अरबों ने अल्टीमेटली इसको एंडोर्स कर लिया, इसको तस्लीम कर लिया, इसको मान लिया। तो अब क्या झगड़ा है भाई? यानी आज की तारीख में जो असल झगड़ा है, ये झगड़ा इसकी बुनियाद है नफरत, इस्लामिक हेटरेट, इस्लामी नफरतें, जो कि बचपन ही से एक मुसलमान बच्चे को उसकी गुट्ठी में घोल घोल कर पिलाई जाती हैं। गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत, यहूदियों के खिलाफ नफरत, मुशरिकों के खिलाफ नफरत, हिंदुओं के खिलाफ नफरत, ईसाइयों के खिलाफ नफरत, न मानने वालों के खिलाफ नफरत, वो सारा भरा पड़ा है भाई। देखें कुरान जब इतनी क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि वो लोग जो नहीं मानते, जो काफिर हैं, काफिर की जाहिर बात है, मानने वाला मोमिन है, नहीं मानने वाला काफिर है ना, भी सीधी सी बात है, इसमें जो है ये कोई इतना जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है अल्फाज नहीं है, सिंपल सी बात है। मानने वाला क्या कहलाता है? मोमिन। नहीं मानने वाला क्या कहलाता है? काफिर। तो काफिरों के खिलाफ यानी ये कुरान में कैसी कैसी बातें आई हैं। सूरह बय्यिना की इन आयतों पर अगर गौर करें,
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. اچھا اس میں جو کہا کہ کفروا, کافر لوگ اور مشرک لوگ وہ کیا ہیں, اولئک هم شر البریہ, جو لوگ نہیں مانتے, جو لوگ شرک کرنے والے ہیں, پولیتھیسٹ ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے پولیتھیسٹ کون ہے بھئی, یعنی مجرد جو شرک کرنے والے ہیں, کوئی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہو, دنیا کے کسی بھی زمانے سے ان کا تعلق ہو, جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کیا ہیں, مشرک کہلاتے ہیں. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں, اسلامی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, کافر. تو کافروں اور مشرکوں کو قرآن کلیئر کٹ انداز میں یہ کہتا ہے کہ اولئک هم شر البریہ, وہ لوگ کیا ہیں, یعنی اس زمین پر جتنے جیو جنت ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, ان سب میں بدترین, سب سے نچلے درجے کی مخلوق ہیں. گویا کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی وہ انسان ہونا تو بہت دور کی بات, وہ جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں. کون؟ کافر اور مشرک. قرآن کے مطابق اولئک هم شر البریہ, سارے لوگ جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ صریح, یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ اولئک هم شر البریہ. یہ کیا ہے, نفرت نہیں ہے, نفرت نہیں ہے. اس کو نفرت نہیں تو کیا کہیں گے بھائی, محبت کہیں گے, پیار ہے یہ. نہیں ماننے والوں کے لیے پیار ہے یہ. ان کو جو ہے تمام جیو جن سے گیا گزرا, ان سے اس سے بدترین مخلوق, بدترین خلائق کہنا, یہ کوئی محبت والی بات ہے؟ یہ تو نفرت ہے نا بھائی, کھلم کھلا نفرت ہے نا. اور ہمارے یہ اسکرین پر یہ جو حضرت ہیں, ہمارے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم, پوری زندگی اسی طرح کی نفرت کا پرچار کرتے ہوئے گزری ان کی پوری زندگی. ان کی زندگی کا کارنامہ کیا ہے, انہوں نے نفرت کو, یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ جو بھڑکا سکتے تھے, انہوں نے نفرت کی آگ کو بھڑکایا. ان کا یہی کارنامہ ہے. ان کی جو ویڈیو, ان کی جو تقریر, ان کا جو بیان دیکھ لیں, ان میں یہی باتیں آپ کو جو ہے گھما پھرا کر ملیں گی کہ ماننے والوں سے جو ہے محبت کرنا ہے, نہیں ماننے والوں کے خلاف نفرت کا پرچار. یہ بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلامی آئیڈیالوجی میں قوم یہود سے جو شدید نفرت ہے, اب آج یہ جو دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے اصل میں یہی نفرتیں کار فرما ہیں. یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ اس کے پیچھے نفرت ہے. اب یعنی کہا ہی جاتا ہے کہ قوم یہود نے نبیوں کو قتل کیا. یہ اس طرح کا ان پر الزام ہے, قوم یہود پر یہ اس طرح کا الزام ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے, یہ ایک الزام ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے نبیوں کو, کس نبی کو قتل کیا؟ ذرا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین میرے اس سوال کا جواب دو. کم سے کم تین نبیوں کا نام بتاؤ جن کو قوم یہود نے قتل کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا, اللہ کا فرستادہ نبی کسی عام انسان کے ہاتھوں قتل آخر کیسے ہو سکتا ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یعنی نبی کا مطلب وہ کیا ہے, ایمبیسیڈر ہے. کس کا ایمبیسیڈر؟ ارے بھائی آج کسی دیش کا کوئی ایمبیسیڈر ہے, اس کو ہاتھ لگانا یا اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنا یا اس کو مارنا, تو یوں سمجھیے کہ جو ہے دو دیش کے بیچ میں جنگ چھڑ جائے گی. چھ جائے کہ نبی جو کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرستادہ, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کہہ رہا ہے, گویا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہے,
अल्लाह का भेजा हुआ एम्बेसिडर है और अल्लाह हर तरह की ताकत रखता है, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। तो अल्लाह के भेजे हुए नबी को एक आम आदमी कत्ल कैसे कर सकता है, यह सवाल का जवाब चाहिए मुझे। कैसे कैसे मुमकिन है, यह पॉसिबल कैसे हुआ हा? भाई इसका मतलब अगर एक आम आदमी अल्लाह के भेजे गए नबी को अगर कत्ल कर सकता है तो उसका मतलब यह है कि वो नबी अल्लाह का भेजा हुआ नहीं है, वो भी एक आम आदमी है। जिस तरह से एक आम आदमी किसी आम आदमी का कत्ल कर सकता है, तो अब अगर अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी आम आदमी के हाथों कत्ल हो जाता है तो इसका मतलब उस नबी में एक आम आदमी फर्क क्या है। इसका साफ मतलब यह निकला कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी नहीं है, झूठ बोलता है भाई। फिर तो जो है इसका मतलब यह है कि मैं भी दावा करूं, हाँ मैं भी इस तरह का अगर दावा करूं, मुझे भी कोई कत्ल कर दे तो जाहिर बात है मेरा दावा भी चूंकि झूठा है, मुझे कत्ल कर दिया गया। अगर किसी और शख्स ने दावा किया कि वो नबी है, उसको किसी ने कत्ल कर दिया तो वो भी झूठा है ना भाई। है नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां यानी कितने नबियों का कत्ल किया, कौन कौन से नबी, और फिर जो है अगर नबी वाकई वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है तो आखिर वो एक आम आदमी के हाथों कत्ल कैसे हो गया। ये हो गई दो बातें। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये, देखिए कौम यहूद के किसी एक या दो या तीन अफराद ने किसी जमाने और किसी इलाके में किसी वक्त अगर किसी का कत्ल किया भी था तो ये आखिर कहाँ का इंसाफ है कि हर जमाने हर इलाके के रहने वाले हर यहूदी शख्स पर उसका इल्जाम लगाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह का मग़ज़ूब गर्दानना और उसके साथ शदीद नफरत का मामला करना, आखिर ये कहाँ का इंसाफ है भाई, कहां का इंसाफ है? समझ आई आपको बात? देखिए कुरान भी यही कहता है और सारी दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं यहूद कौन है, यहूद तो जो है मग़ज़ूब है, यानी मतलब उन पर अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का जो है गुस्सा है। क्यों भाई? इसलिए कि वो नबियों का कत्ल करते थे। पहली बात तो नबियों का कत्ल हुआ कैसे, दूसरी बात यह है कि कौन कौन से नबियों का कत्ल किया उन्होंने, और फिर तीसरी बात यह है कि अगर मान लें किसी जमाने में किसी इलाके में किसी वक्त एक या दो या तीन अफराद उनका ताल्लुक हो सकता यहूद से था, तो ठीक है उन्होंने ये काम किया, किसी को कत्ल किया, जाहिर बात है कत्ल करना गलत बात है। मैं किसी को यानी किसी के कत्ल को लेकर जो है मैं उसके फेवर में नहीं हूं, मैं कहूंगा कि है उन्होंने गलत किया, लेकिन ये कहां का तुक है कि आप उसकी चूंकि उस उन दो तीन चार पांच लोगों का ताल्लुक कौम यहूद से है तो अब वो दुनिया के हर जगह दुनिया के हर इलाके दुनिया के हर जमाने में दुनिया के हर यहूदी को उस पर ये इल्जाम लगाएं कि ये इस पर अल्लाह का गजब है अल्लाह का गुस्सा है क्योंकि जो है इन्होंने नबियों को कत्ल किया। अरे भाई नबियों को कत्ल किसने किया भाई? ये बात बिल्कुल ऐसी है कि मेरे यानी परदादा ने किसी का कत्ल किया था गांव में, मान लें कि जो है मैं एक मिसाल समझा रहा हूं कि मेरे परदादा ने किसी का कत्ल किया, अब उसका इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है कि तू जो है कातिल है। मैं कहूंगा भाई मैं कैसे कातिल हुआ? नहीं कहेंगे जो है फला शख्स का, भाई फला शख्स का कातिल तो ठीक है मेरे परदादा थे होंगे, वो भी थे नहीं थे किसी के पास जो है कोई सबूत नहीं है। ठीक है अगर आप तुम इल्जाम लगा रहे हो तो तुम्हारे इल्जाम को ठीक है हम जो है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कबूल करते हुए कहते हैं कि ठीक है भाई मेरे परदादा ने किया ना, हा? तो मैं उसका कसूरवार कैसे हुआ भाई? मुझसे आप लोग क्यों नाराज हो? आपका खुदा मुझसे क्यों नाराज है भाई? मेरा क्या कसूर? क्या मैंने कत्ल किया? नहीं, तुम्हारे परदादा ने किया, इसलिए वो जो है ये अल्लाह तुमसे नाराज है, अल्लाह का तुम पर गजब है और इस वजह से हम सब लोग तुमसे नफरत करते हैं। यार ये है असल में मसला, मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इस तरह की जो है लॉजिक लेके आते हैं।
जो कि लॉजिक के नाम पर एक जो है मजहका है, लॉजिक के नाम पर हंसी है, ये लॉजिक है, लॉजिक है। सोचिए भाई, ये कसूर किसी ने किया किसी जमाने में, वो भी किया नहीं किया, कोई जो है कोई रिटर्न प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इल्जाम की बुनियाद पर जो है आज तक ये नफरत चल रही है। और ये स्क्रीन पर जो हजरत हैं बड़े बड़े जीदे निकालकर जिंदगी भर यही नफरत का प्रचार करते रहे, जिंदगी भर इनका एक ही काम था, इनका एक ही काम था कि नफरत का प्रचार करना। तो अब आप देखें कि यहूदियों से नफरत क्यों है भाई, तो इस वजह से है कि जो है वो ऐसा ऐसा इस तरह का इल्जामात, इस तरह के इल्जामात लगाए गए। अच्छा, एक यहूदियों पर एक और इल्जाम भी लगाया जाता है, वो क्या है, वो ये इल्जाम खुद कुरान ने लगाया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने लगाया है कि वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इस तरह से ईसाई, इस तरह से मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, यानी ईसा को, जीसस को अल्लाह का बेटा कहते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से, यानी वकालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, वकालत नसारा मसीह इब्न अल्लाह, यानी जो नसारा या जो है जो क्रिश्चियन हैं वो अल मसीह को या फिर जो है ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। उसी तरह से यहूद क्या करते हैं, कौम यहूद क्या करते हैं, उज़ैर को, उज़ैर भी एक नबी का नाम है, उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं। अच्छा भाई, आप ये इल्जाम लगा रहे हो, कोई सबूत है आपके पास? नहीं, सबूत कोई नहीं है। अरे भाई, कौम यहूद के किस शख्स ने ऐसा कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है? नहीं नहीं, सारी कौम कहती है। अरे भाई, सारी कौम तो इससे इनकार करी, हमने तो ऐसा नहीं कहा भाई, हम उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। नहीं नहीं, तो हम मानते हैं। अरे भाई, जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हो वो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं मानते। नहीं नहीं, मानते हैं, मानते हैं। देखिए दादागिरी यार, दादागिरी। हाँ, अब मुसलमानों का मसला ये है कि चूंकि ये बात कुरान मजीद में आ गई तो अब वो उनको गौर फिक्र नहीं करना, उनको तहकीक नहीं करना, उनको ये नहीं देखना है कि वाकई ऐसा है भी या नहीं, लेकिन चूंकि कुरान में जो बात आ गई तो उनके लिए पत्थर का नक्श बन गया, अटल हो गई बात। नहीं, क्यों, कुरान में आ गए इसलिए यहूद क्या करते हैं, उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, बेटा मानते हैं, सबूत तो आपके पास कोई नहीं है, तो अब क्या करना? नहीं, इसलिए इस वजह से हम उनसे नफरत करते हैं। देखें जरा, नफरत करने के कैसे कैसे बहाने तराशे गए यार, कैसे कैसे बहाने, सोचने की बात है। यानी क्या क्या बहाने तराश तराश कर जो है इस कौम से नफरत का जो है बाजार जो गर्म रखा गया है सदियों से। अब ये बातें तो मैं कुरान की कह रहा हूं, कुरान के बाहर वाले जो लिटरेचर में, नॉन कुरानिक लिटरेचर में तो और क्या 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 बातें, अनाप शनाप बातें आई हैं। यानी ये जो है दज्जाली निजाम, वो पता नहीं क्या क्या जो है, वो गरकत का एक पेड़ है जो कि जो है वो यहूदी उसके नीचे जाकर छुपेगा तो जो है वो गरकत का पेड़ कहेगा मुसलमान से कि अरे मुसलमान, देख मेरी छांव में जो है एक यहूदी छुपा बैठा है, इसको कत्ल कर दे। ऐसी ऐसी बातें आई है यार। हाँ, नफरत का नफरत, यानी यूं समझिए कि यानी मुसलमानों का मामला यहूद को लेकर ए टू जेड नफरत पर जो है टिका हुआ, सिर्फ और सिर्फ नफरत, खुदा वास्ते का बैर, खुदा वास्ते की नफरत, ये बात है। इसी को कहते हैं इस्लामी नफरतें, इसी को कहते हैं इस्लामिक हेटरेट, यही तो है ना भाई। क्योंकि यानी इस्लाम से जुड़ी हुई किताबों में यहूद को लेकर या मुशरिकों को लेकर जो नफरतें भरी पड़ी हैं, उसी की वजह से, यही वो तालीमात हैं, यही वो जो है आइडियोलॉजी है, यही वो यानी ये सोच है जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर आज भी नफरत की ये शमा जलती है और भड़कती है, नफरत की आग, नफरत की आग। अच्छा, अब आप देखें कि एक सवाल ये किया जाए कि क्या फलस्तीन और इसराइल के इस कजिए में अमन व सलामती की कोई उम्मीद है, तो इसका जवाब यह है कि हमास जैसे अनासिर, हमास जैसी सोच रखने वाले एलिमेंट्स के होते हुए अमन व सलामती की कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती।
امپوسیبل, ہائیلی امپوسیبل. کیونکہ یعنی جب تک ہمار جیسی سوچ, اب ظاہر بات ہے ہمار جیسی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے, بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور اس کو جو 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 ہے مرچ مسالہ اس میں جو ہے جو ڈالا جاتا ہے, حماسیوں یا حماس جیسی سوچ رکھنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سیدھے سادھے جو فلسطینی ہوتے ہیں, یعنی حماس جیسے لوگ بدماشیاں کرتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ سیدھے سادھے جو ہے لوگوں کے جو ہے عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مجبور ہیں, ان لوگوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں, ان کو یعنی اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں, ہیومن شیلڈ, جاتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں, آ کر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے اپنی ڈھال بنا کر جو ہے ٹھہر جاتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ سلسلہ جب تک رہے گا کوئی امن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی پیس پروسیس نہیں ہو سکتا, بد امنی رہے گی, مار دھاڑ رہے گی, خون بہے گا, خون بہ رہا ہے. اور پھر یہ واویلا مچانا, یہ دھوم مچانا کہ بھئی یہ کیا ہے جو ہے اس طرح سے ایسا ہو رہا ہے, سارے بھئی دیکھیں ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا نا بھئی, آپ ایسا کرنا چھوڑ دو تو ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ لوگ پچھلے اتنے عرصے سے ایسا کرتے رہے ہو تو جوابی طور پر ایک جو ہے اس کے نتیجے کے طور پر ایسا ہونا لازم تھا اور ہو رہا ہے. حالانکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے فیور میں نہیں ہوں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر جو ہے میں بہت انتہائی کڑتا ہوں, خاص طور پر فلسطین کی عوام, اس میں عورتیں ہیں, ان میں بچے ہیں, ان میں بوڑھے ہیں, ان میں مجبور ہیں, اس میں معصوم لوگ ہیں, یہ دیکھ کر میری آنکھیں روتی ہیں بھائی, کیا کروں میں, کیا کروں. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ لوگ تو کچھ کرنا نہیں چاہتے, نہیں کرنا چاہتے, وہ لوگ تو اس طرح کی جو ہے مطلب نفرتوں کو اور مزید بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, گویا کہ وہ اس طرح کی نفرتوں کو انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا. تو حماد جیسی جو ہے سوچ رکھنے والے لوگ جب تک رہیں گے ان کے بیچ تو پیس پروسیس نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو ایک گاؤں کی ایگزامپل دے کر, ایک گاؤں کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی. اگر آپ لوگ یعنی مسلمانوں میں اگر واقعی کوئی سمجھدار ہیں تو وہ ان باتوں کو سمجھیں, اور اگر آج ہی سے یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں جو ہے امن کی طرف جانا ہے, ہمیں شانتی کی طرف جانا ہے, ہمیں خون کے بہنے کو ہمیں روکنا ہے, کسی کا بھی خون ہو, انسان کا خون ہے نا بھائی, یوں سمجھیے کہ اس زمین پر جو سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا جو ہے جو ظلم ہے وہ ہے انسان کا خون بہانا. انسان کا خون سب سے زیادہ محترم ہے, انسان کا خون سب سے زیادہ برتر ہے, انسان کا خون سب سے اونچے مقام پر ہے, انسان کا خون بہ رہا ہے اور ہمیں ہمارے کانوں پر دھوں تک نہیں دوڑ رہی ہے. ہم اس کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ حل ہمارے حساب سے ہو, ہماری کنڈیشن پہ ہو. ارے بھائی آپ کی کنڈیشن, آپ ہیں کون, آپ محکوم ہیں نا. پھر بھی شکر مناؤ غنیمت کے جو ہے آپ کو تقریباً آدھا حصہ ملا تھا, لیکن آپ اتنے ناشکرے نکلے, اتنے جو ہے کفران نعمت میں جو ہے آپ پڑے رہے کہ یہ وہ حصہ بھی, آپ کا آدھا حصہ بھی جو ہے چلا گیا. اور آج یہ حالت ہے کہ جو ہے روزانہ کتنی خواتین, کتنے بچے, کتنے بوڑھے, روزانہ ان کا خون بہ رہا ہے. یار کیا حال ہے, کون سمجھائے ان کو, کیسے سمجھائیں. دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے, نفرت کی آگ لے کر ہر چیز کو سوچتے ہیں. ارے بھائی آپ کے دماغ میں جب تک نفرتوں کی آگ جلتی رہے گی آپ کوئی منطقی انداز میں سوچ نہیں پاؤ گے, کیونکہ آپ کے اندر تو نفرت جل رہی ہے نا, نفرت ہے نا, ہاں اسلام کی ڈالی ہوئی نفرتیں, تو آپ یعنی ایک سلجھے ہوئے انداز میں کیسے سوچ پاؤ گے, آپ اس قابل ہی نہیں ہیں.
आप चाहते हैं कि नहीं, इसका जो सलूशन है वो मेरी कंडीशन पे हो, और आप पिछले 70-75 साल से ये जो है ये अपनी कंडीशन का जो है का विरोध करते रहे हो, उसकी माला जपते रहे हो, और आप देख रहे हैं कि जो है हमेशा आप अपनी मुंह की खाते रहे हो, क्या मिला आपको, क्या मिला? सोचने की बात है। बैक सितंबर, आप गूगल करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा ब्लैक सितंबर से क्या मुराद है, आप खुद चेक कर लें। यानी ब्लैक सितंबर यानी फलस्तीनियों के लिए या फिर अरबों के लिए या पूरे के पूरे ये सारा जो कुछ चल रहा है ना उस पर सबसे बड़ा कलंक का निशान है, सबसे बड़ा धब्बा है। आप अगर गौर करें कि ब्लैक सितंबर क्या है, क्यों हुआ है, देखें वो जिस वक्त फलस्तीनियों पर बहुत ज्यादा मसायब आने लगे तो उनका पड़ोसी जो देश है जॉर्डन, उर्दुन जिसे कहते हैं, वो वहां पर जिसकी हुकूमत थी हुसैन, किंग हुसैन की हुकूमत थी, उन्होंने जो है क्या किया, यानी फलस्तीनियों पर तरस खाकर उन पर रहम करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अपने देश का बॉर्डर खोलता हूं और आप लोग क्या करो, मेरे देश में आ जाओ, मैं आपको पनाह दूंगा, मैं आपको रिफ्यूज दूंगा, आपके बच्चों को जो है अच्छी तालीम दूंगा, आपके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त करूंगा, आपके खाने पीने के लिए आपका बंदोबस्त करूंगा, आप यहां आए, अपने आप को संभालो, ठीक है, मैंने अपना पूरा इलाका आपको दे दिया, अब यहां रहो बसो। ये एक एहसान किया उन्होंने, किंग हुसैन ने फलस्तीनियों पर इतना बड़ा एहसान किया जो कि दूसरे और अरब मुल्क नहीं कर सके, किंग हुसैन ने किया। हा? तो अब आप देखें कि फलस्तीनियों का क्या काम था कि किंग हुसैन के शुक्रगुजार बनते हैं, किंग हुसैन के जो है मशकूर रहते हुए, उनके ममनून रहते हुए, यानी जो है वो उस देश की जो है तरक्की में ये फलस्तीनी हाथ बटाते हैं और इसको तरक्की याफ्ता बनाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़े ही अरसे बाद कुफरान नेमत करते हुए, यानी उन्होंने क्या किया, इनके अंदर वो जो चिरान जागी, यानी भाई हुकूमत इलाहिया, उन्होंने देखा कि ये किंग हुसैन असल में ये जो है ये क्या है, ये तो इस्लाम के मुताबिक ये जो है कोई अच्छा जो है रूलर नहीं है, उनके अंदर ये इस तरह की बात डाली गई कि नहीं, इसका तख्ता उलट देना चाहिए, इसका तख्ता पलट देना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा बादशाह नहीं है, एक मुसलमान हुक्मरान नहीं है, मुसलमान हुक्मरान ऐसा नहीं होता। भी जाए पे इनकी अपनी एक खास ऐनक है, इस्लामी ऐनक, उन्होंने इस ऐनक को लगाकर जब हुसैन को देखा, किंग हुसैन को, तो उनको लगा कि जो है इनके यानी जो इस्लाम के जो है जो बनाए गए उसूलों के जो जो जिस तरह के जो क्राइटेरिया था उस पर किंग हुसैन पूरे नहीं उतरते थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। अब बात क्या हो गई कि किंग हुसैन के जो है लोग, यानी यूं समझिए कि जॉर्डन और जॉर्डन के अंदर रहने वाले जो पनाह गुजीन जो फलस्तीन हैं, वो एक अलग गिरोह बन गए और किंग हुसैन के लोग अलग बन गए, यानी मतलब दो जत्थे बन गए। अब इन दोनों के बीच में घमासान की लड़ाइयां हो रही हैं, सोचने की बात है। ऐसे मौके पर अब किंग हुसैन के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी। उस जमाने में ब्रिगेडियर जनरल जियाउल हक थे, तो जनरल जियाउल हक की निगरानी में तो वो यानी बहुत से पाकिस्तानी जो है फौज के जो है फौज वहां जॉर्डन गए और किंग हुसैन के फेवर में यानी मतलब जो उन्होंने लड़ाई की, तो बताया जाता है कि 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जनरल जियाउल हक के हाथों मारे गए, 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी जनरल जियाउल हक के हाथों मारे गए। आप देखें मतलब ब्लैक सितंबर आप जो है गूगल करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि फलस्तीनियों को अपने यहां पनाह देने की एक गलती जो 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 है किंग हुसैन ने की है, उसका जो खमियाजा उसको भुगतना पड़ा,
उसको जो तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद से लेकर आज तक दुनिया का कोई भी अरब मुल्क, दुनिया का कोई भी मुसलमान मुल्क फलस्तीनी को अपने यहां जगह देने से इनकार करता है, इनकार करता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो हालात होते रहे हैं, इन सब हालात के चलते हुए इन्हें हमें होश के नाखून तो लेना नहीं है, हमें जज्बाती अंदाज में सोचना है हर चीज को। अरे भाई आप यानी ये सारे मसले को जिस तरीके से लेते रहे हो, मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, अरे भाई फलस्तीन और इसराइल का जो भी मसला है उनका आपस का मसला है भाई, दो भाइयों का मसला है, अकीदे के एतबार से भी, नस्ल के एतबार से भी, और फिर जो है एक गांव के बाशिंदे होने के एतबार से भी, ये उनका आपस का मसला है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उनका। मगर इसको जो जो है जो रंग दे दिया गया, इसको कह दिया गया कि मस्जिद अक्सा, अरे मस्जिद अक्सा की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मस्जिद अक्सा बहुत जमाने के बाद जो है बनवाई गई, जाहिर बात है कुछ लोगों ने बनाया उसको, उसकी हैसियत दुनिया के किसी और मस्जिद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये और बात है कि उसका नाम लेकर यानी मुसलमानों की तारीख जिसको हदीस कहते हैं उसमें क्या क्या हदीसें जो है घड़ी गई और उनमें बताया गया कि जो है इसकी बड़ी हैसियत है, ये जो है मुसलमानों का क़िबला अव्वल क़िबला ऊला था, ये क्या क्या सारी बातें बेबुनियाद बेबुनियाद बातें। कहने का मेरा मतलब है कि यानी फलस्तीन और यानी यूं समझिए कि दो गांव के दो भाइयों के झगड़े को मुसलमानों ने क्या किया, उसको इस्लामी रंग दे दिया, इस्लामी रंग ढंग देकर उसमें जिहाद का तड़का लगाया, उसमें झूठ मूठ के मसाले मिलाए, मिर्च मसालों के साथ इसको जो बंदर फोड़ा बना दिया। आज इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये केस, हालांकि दो भाइयों का झगड़ा था, दो भाइयों के आपसी जो भी झगड़े थे ठीक है भाई झगड़े थे, अब क्या करना है उनको आपस में जो है इसको तय कर लेना है, नहीं इसमें जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसमें घसीटा गया, हर जगह जा जाकर इसको जो है ये इनके आपसी झगड़े को इस्लामी रंग दिया गया और ये इस कोशिश को जिहाद का नाम दिया गया। क्या 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 क्या, क्या मसले किए गए यार, हालांकि देख रहे हैं कि आपकी सारी कोशिशें जो कि मसनूई है, आर्टिफिशियल जितनी कोशिशें फलस्तीन को लेकर जो अब तक की जाती रही हैं वो सारी की सारी नाकाम हुई, अपनी मुंह की खानी पड़ी, उसके बावजूद भी मुसलमानों को होश आने का नाम नहीं ले रहा। क्या किया जाए, क्या करें। तो बहरहाल यानी अब ये सारी बातें मेरे मन में थी, मैंने चाहा कि जो है आप लोगों के सामने रखूं एक आध घंटा में, इसलिए अचानक ये प्रोग्राम मैंने रखा। वैसे मैं अभी इसकी लिंक जो है शेयर करता हूं, पिन करता हूं, अगर किसी को आना है जो कुछ मैंने कहा उस पर अगर कुछ बात करनी है तो आए, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी जो है इसकी तो चलें दोस्तों, मैंने अभी जो है ये लिंक पिन कर दी है, किसी को कुछ बात करनी है चाहे। इमरोज आलम साहब आए हैं जी, भाई क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, कैसे हैं जी। मैं ठीक हूँ, क्या कहना है भाई। हेलो, आवाज आ रही है हुजूर। जी जी आवाज आ रही है, बोलिए।
सर मैं कुछ खास नहीं, बस आपसे एक दुआ सलाम करने के लिए कि उससे निस्बत से ऊपर आया था तो आपको सुन रहा था, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आपसे एक दुआ सलाम अर्ज किए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए सर आपका मिजाज शरीफ। हाँ ठीक हूँ मैं, फिलहाल जी जी सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आप अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया। आप भी और भी कोई भाई आए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरोज भाई। अच्छा हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर जी, मेरे भाई क्या कहना चाहते हैं? जी सर गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सर? वेरी गुड आफ्टरनून, क्या कहना चाहते हैं भाई? हाँ जी, पहले तो सर मैं आपका हालचाल पूछना चाहूंगा और आपको बहुत ज्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैंने पहले कभी किया नहीं, पर आपकी तबीयत पिछले दिनों खराब रही और आप स्ट्रीम नहीं हुई और उसके बाद फिर भी आपका सिलसिला वैसे ही उसी पावर के साथ उसी स्टेमिना के साथ आप बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आप बहुत पावरफुल पर्सन है। तो जैसे आपने लास्ट स्ट्रीम में शेयर भी किया थोड़ा फैमिली के रिलेटेड भी, तो सर मैं आपको अपना बाबा जान मानता हूँ, तो ऐसी बहुत यानी के जिन बातों में मैं काफ़ी सालों से लगा हुआ था और उसी में, क्योंकि जब आपको कुरान और हदीस से हकीकत नहीं मिलती ना तो आप फिर तहकीक में आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, तो उसी तहकीक में उसको जो फुल स्टॉप लगाया आपने और ज़िंदगी आसान कर दी, यानी और यानी बहुत मतलब के कम लोग हैं कि मेरे ख्याल जो मतलब के आपको भी आवाज़ उनके कानों में पड़ी है, पर आपकी बातें बहुत असरअंदाज हैं हर वे में। जो बंदा भी कुरान या हदीस पे जिस भी रिसर्च कर रहा है उसको असलियत उसको वो पहुंचा देगी, अगर वो वाकई अपनी कंपैरेटिव स्टडी करके पहुंचना चाह रहा है किसी नताइज पे। तो बहुत मतलब के सर हाईली अप्रिशिएटेड पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ज्यादा तारीफ करने जी मेरे भाई मेरे बेटे। हाँ। आप तो नौजवान लगते हैं, मेरे बेटे जैसे हैं। हाँ। तो बहरहाल बड़ी मोहब्बत है आपकी, आप सुनते हैं, आपको बात समझ में आती है और आप समझना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। हाँ। कि इंसान समझने वाला हो जाए, इंसान सोचने वाला हो जाए, इंसान जानने वाला हो जाए, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। मानना तो ये बच्चों का काम है भाई, बच्चे मानते हैं, मानना मनवाना बच्चों का काम है। इंसान के शायाने शान ये है कि इंसान सोचने वाला हो, इंसान जानने वाला हो, इंसान तहकीक करने वाला हो, अपनी तहकीक अपनी जस्तरू की बुनियाद पर वो किसी नतीजे पे पहुंचे, ये है उसका असल कमाल। असल कमाल ये है, मैंने किसी ने कह दिया मान लिया, ये नहीं, ऐसा नहीं होता जी। मैंने देखे, मैं सिर्फ एक तरह का कुरानिस्ट हो गया था हदीसों के बाद, कि बस कुरान अल्लाह का कलाम हरफे आखिर और यही, और उसको हर जगह इवन के जस्टिफाई ऐसे करता था कि मैं ये ऐसा करना शुरू हो गया था कि किसी को कोई भी सवाल है कुरान के मुतालिक वो मुझसे पूछे, क्योंकि मुझे एक रूहुल कुदस आ गई है मुझ में जी, कि मुझे हर कुरान की, क्योंकि ओबियसली कुरान एक किताब है, आप उससे मुसलसल पढ़ोगे तो उसको आप सारी आपको उसका हाव नाव का पता चल जाएगा। लोग कहते हैं कि कुरान को पढ़ी जाओ कि इतना है जी आपको समझ नहीं आएगा सारी जिंदगी, मैं कहता हूँ कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा अगर आप कोशिश करोगे ना। अच्छा तो एक सेकंड जरा रुकिए, हमारे कुरान इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूछ रहे हैं कि इज दिस लाइव और रिकॉर्डेड स्ट्रीम कुरान वाला जी। देखिए मेरे भाई, मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं होती, मेरे पास लाइव ही होता है। मैंने जो है क्लियर कट ये बताया कि लाइव है, तो इस वक्त मैं आपके सामने लाइव हूँ, जिंदा सलामत हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ और आपको जवाब दे रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीम है, लाइव, ठीक है? वो रिकॉर्डेड कहीं और होती है लेकिन मेरे पास लाइव होता है, जो भी है जी मेरे भाई। अगर आपको आना है, कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं। जी जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि कुरान बहुत आसान किताब है, मैं कहता हूँ समझने के लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इतना नॉलेज है कि जी आप सारी जिंदगी लग रहे नहीं समझ आएगी, आप अपने मैं कहता हूँ कुछ माह ही जिंदगी के आप दे दें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो उसका जो भी है वही है ना, उसका कुल जो 30 पारे हैं हमारे पास, तो आपको सुना ना लिटरली ऐसा मतलब कि मुझे दूसरी तरफ सोचने का मौका
यानी कि दूसरी मैंने सोचे नहीं, दूसरी सोच ही नहीं सोची कि बस कि यही हक है, हक यही है कि ये जो जिसको मैं ऐसे हवा बनाई जा रहा हूँ अपनी तरफ से, एक के हवा है ये, तो वो हवा नहीं है ये, एक मतलब कि ऐसे आपको एक जहाँ जैसे हर मजहब में किताबें हैं तो ये भी एक वैसी एक मजहबी किताब है, इसमें कोई ऐसी है तो वो यानी कि फौरन अभी आपका जैसे बिल्कुल सही, अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे, एक तो अब जो भी उनके जवाब देगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुरानिक जवाब उसे देना पड़ेगा, कुरान के अंदर से सुन्नत तो उसे रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब और उसके बाद जब वो जवाब दे देगा फिर उसको वो जब उससे कंपेयर करेगा कि यार वाकई ये इतनी वो बात है, तो वो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इतनी वर्दी बात नहीं, कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है हर जगह पे हर किसी के साथ ही, कि एक इंसान तो ये बहुत ही, आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा ना टेक्निकल हैं और बड़े ही इंप्रेसिव हैं कि आप उसका कोई जवाब देगा तो वो आखिर तक उसको जवाब मतलब कि उसका मिल जाएगा, कि जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन था हु इज द मोस्ट प्रेजवर्दी जी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो अब इसमें वो ईसा अलैहि सलाम है, ठीक है, कुरान के अंदर भी है, और वैसे भी मैंने दुनिया के बहुत लोगों से, दुनिया के मतलब कि मुख्तलिफ लोगों से मैं मिला हूँ कि जो आइलैंड्स में लोग रहते हैं ना, जो ऐसे हैं कि जिनके पास कोई खुद भी नहीं, वो अपना कमाते हैं, उन्हें फंडिंग ही मिलती है, उनसे भी मिला हूँ, वो भी कहते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, ठीक है, वो अमेरिका के बिल के ऊपर भी लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो उनसे पूछा कि ये क्या है? मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा गॉड क्या है, तो वो कहते हैं बस जीसस गॉड है, अभी सब एक ही है, गॉड मानते हैं। तो उधर भी कि उनकी शख्सियत की तारीफ, यानी हर आपको जगह, आइलैंडर है कोई कि या कोई सिटी में रहने वाला है बड़ी से बड़ी न्यूयॉर्क में या जहाँ भी रहने वाला, तो वो उसको उनको एक मतलब एक प्रेज वर्दी पर्सनैलिटी समझते हैं। और एक सर रिसेंटली मैं ना कल ही अथर्वणा वेदास ऐसे हिंदू स्क्रिप्चर है, उसके अंदर भी मुझे उनके मंत्रों के अंदर मोहम्मद लिखा हुआ मिला, कि वो लिखा भी ऐसे ही मिला कि वो प्रेज वर्दी है, ठीक है, इन अल्फाज के ही द प्रेज वर्दी वन। तो जी वो भी मेरे ख्याल से ईसा अलैहि सलाम की बात हो रही है शायद। एग्जैक्टली असल में मोहम्मद कोई दूसरा हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता मोहम्मद, असल में किसी शख्सियत का नाम नहीं है, ये बात मैं कई बार साबित कर चुका हूं। मोहम्मद असल में एक टाइटल है, यानी एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए कहा जाएगा जो वाकई प्रेज वर्दी है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्रेज वर्दी कौन है, कौन इस लायक है कि जिसकी तारीफ की जाए भाई। लड़ाई झगड़े करने वाले को जो है, जाहिर बात दुनिया में लड़ाई झगड़े करने वाले तो एक से एक है, चंगेज खां है, अलाकू खां है, हिटलर है, तो क्या कोई कमाल हुआ? यानी कई शादियां करने वाले को आप प्रेज वर्दी कहेंगे, कई लौंडियां रखने वाले को प्रेज वर्दी कहेंगे, अपने अपनी बहने अपनी जो है चचेरी बहनों, फुफेरी बहनों, मुमेरी बहनों, तायरी बहनों, खलेरी बहनों को जो है शादियां रचाने वाली को प्रेस भर्ती कर। उससे मेन सर मुझे आज ही मुझे एक चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक हकीकत खोली मेरे पे। एक मैं औरत को सुन रहा था, हमारी बहन वो एक्स मुस्लिम थी, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ एक बात का कि जो मुसलमान औरतें हैं वो जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना करेक्टराइज करके अपने एक मान लेती हैं कि जी हम मौत के बाद भी शायद हमारी उनसे शादी हो जाए, या ऐसी भी कुछ वो खुद अपने मुंह से करती है कि ऐसी औरतें, तो ये मतलब कि इस हद तक लो स्टैंडर्ड मतलब असल में के सारा हुए पड़े हैं प्रोपगेशन है ना, ये सारी इस तरह का माइंडसेट बनाया गया एक, एक खास मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये सारा सब कुछ किया गया। लेकिन यानी देखें कि असली असली होता है, नकली नकली होता है, आपको समझ आई बात? देखें पीतल पर आप कितना ही पीला रंग चढ़ा लें लेकिन वो पीतल ही होता है, वो सोना नहीं हो सकता, सोना सोना ही है भाई, सोने सोना जो है इस बात का मोहताज नहीं है कि उस पर कलर किया जाए, लेकिन सोने का खुद अपना एक कलर होता है, नेचुरल कलर, और ये है ईसा, बेशक सर। अगर देखा जाए 9 माह पहले इंजीनियर साहब ने भी एक वीडियो डाली थी द मसाया के नाम से, उन लोगों ने उसके अंदर बताया था कि ईरान वालों ने ईसा अलैहि सलाम में अपे 2007 में एक मूवी बनाई है द मसाया, तो जी, वो जी। और उन लोग ने साथ बड़ी तारीफ करके उन लोगों ने सारा बताया कि ईसा कितने प्रेज वर्दी हैं, और उन्होंने रिकमेंड की बकायदा कि आप वो देखें कि उनका, और आप वो मूवी देख लें तो उसके अंदर यही है कि मोस्ट होलीस्ट पर्सन आपको दुनिया में नजर आएगा, हाँ, वो जो शख्सियत उन्होंने प्रेजेंट की। और भाई देखें मैं तो कुरान वाला हूँ, कुरान की बात करता हूँ, मैंने तो कुरान से साबित किया है ना, हाँ
हो वो सकता है लोग कुरान के बाहर और कई कई जो है उनके पास रेफरेंसेस होंगे, ठीक है, उनके अपने अपने रेफरेंस भी हैं, लेकिन कुरान के अंदर से भी जो है अगर देखा जाए तो आपको एक हीरो यानी हीरोइटिक पर्सनालिटी आपको जो है सिर्फ ईसा में नजर आएगी। इवन इब्राहिम की बात भी देखेंगे तो इब्राहिम का मामला भी, हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसमें आपको कई जगहों पर ऐसा मिलता है कि वो लोगों से नफरत कर रहे हैं, बुग्ज़ व अदावत कर रहे हैं, दुश्मनियां कर रहे हैं। सूरा अल मुमतहिना की आयत नंबर 4 का अगर मुताला करें तो आपको लगेगा कि यह जो है हजरत इब्राहिम यानी उन लोगों से बुग्ज और अदावत, अंदर की दुश्मनी और बाहर की दुश्मनी कर रहे हैं, जो अल्लाह को अल्लाह की इबादत करना नहीं चाहते, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते उनके साथ हजरत इब्राहिम क्या कर रहे हैं, बुग्ज और अदावत कर रहे हैं। लेकिन ईसा ईसा के साथ आपको ना कोई अदावत मिलेगी, ना बुग्ज मिलेगा, ना तो वो शहवत में पड़े हैं, ना किसी औरत के चक्कर में पड़े हैं, कुछ भी नहीं यार, एकदम एक सही माना में रूहानी पेशवा होने की जो जो, जो मकाम है वो आपको ईसा में नजर आएगा। हाँ जी बेशक, इवन के उनकी वालदा को तो कुरान के अंदर कहा भी आ गया ना कि दुनिया में से बेहतरीन खातून है एक। हाँ, वो फिरौन और वो तो उनको वस्तफा की आला निसा इल आलमीन कह रहा है कुरान। हाँ, इतना ऊंचा मकाम किसी और के लिए नहीं है भाई। हाँ जी किसी के लिए नहीं। हाँ, यानी शिया अगर फातिमा अलैहिस्सलाम के गया किसी के बारे में कोई भी समझता है तो वो नहीं, हाँ, कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। कुरान की नजर में फातिमा कौन है, कुरान जानता ना पहचानता, कुरान नहीं जानता, नहीं कुरान ना आमिना को जानता है, ना कुरान खदीजा को जानता है, ना आयशा को जानता है, ना फातिमा को जानता है, किसी को भी नहीं जानता। कुरान जानता है तो मरियम को जानता है, सिर्फ मरियम को। बेशक सर, आपके लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने डिस्कस किया था जंगे जमल सफीन और नहरवा का, तो वो देखें कुरान की कायद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो आपस में नरम है और लोगों पे सख्त हैं, तो अगर जंगे जमल सफीन नहरवा होगी तो वो तो वैसे भी सहाबी नहीं बनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हां सहाबी हो ही नहीं सकते ना, भी कैसा होंगी बताओ। आपस में रहमदिल होना ये उनकी खास सिफत बताई गई है, अगर वो नहीं है तो नाम लेके उनके सहाबी नहीं है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये तो नाम लेके है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ही यार। बिल्कुल सही बात, तो ये तो खुद ही मतलब के करे, यानी ये कुरानी फिरके नहीं है, ना ही सुन्नी फिरका कुरानी का और ना ही शिया फिरका कुरानी का। हाँ बस बहरहाल अब जो बात मुझे समझ आती है मैं दुनिया के सामने रखता हूँ, और फिर जो है मैं ये कहता हूँ कि मेरी बातें ठीक है, ये मेरा अपना तदब्बुर है, हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप अपने तौर पर गौर फिक्र करें, मैं हमेशा ये पैगाम देता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि लोगों मेरी बात मानो नहीं, कभी नहीं, मैं कहता हूं कि आप जानो, आप अपने तौर पर तहकीक करो, वो हमेशा मेरा यही पैगाम है। जी हाँ, खुद को ना बुरा बहुत ज्यादा समझते हैं कि ना हम बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं और हम बहुत ज्यादा ऐसे हैं, तो ये भी एक वजह है कि ना कि क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि खुद को समझते हैं कि हम बहुत बुरे हैं, कुछ करते भी हैं कुछ, वैसी एक मेंटेलिटी ऐसी बनाएगी है कि बस जी हर चीज में कि तौबा करो बिस्मिल्लाह पढ़ो, कि इधर इस हद तक हो गया कि वो अब लोगों का बस ये दीन मानी बस यही उनकी कुल दुनिया बन गई है, यानी सारे मुसलमान सोए पड़े हैं, 100 साल हो गया कोई सुई तक नहीं इजाद की, ठीक है कोई कुछ भी नहीं इजाद कर, कुछ भी नहीं दे रहे दुनिया को, कुछ भी नहीं किसी को, यह सिर्फ दीन की। और फिर ये बात याद रखें बेटा कि देखें कि दुनिया का एक उसूल है, जो दुनिया को कुछ देगा ना तो दुनिया उसको कबूल करेगी, लेकिन जो दुनिया को देना नहीं चाहता, दुनिया से सिर्फ लेना चाहता है, दुनिया की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बात रखें। और मुसलमानों का एग्जैक्टली यही हाल है, यही हाल है, वो देना नहीं चाहते, वो सिर्फ लेना चाहते हैं, क्या करें यार। तो अब वो इवन के अमेरिका के अंदर एक हिंदू कंट्री तक उन लोगों ने बना दी, एक्सेप्ट कर लिए कि अमेरिका की एक स्टेट उन्होंने हिंदू कंट्री उसको डिक्लेयर कर दिया, ये मुसलमान हम इतने ज्यादा हैं, हम अक्सरियत में इतने मुल्कों में रहते हैं, किसी ने कभी इनका लॉ नहीं एक्सेप्ट किया, कुछ भी नहीं किया, यूके के अंदर सिर्फ शरिया कोर्ट बैठती है और वो भी कोई मसाइल का हल नहीं, उनके लाइन लगी हुई है ऐसे, यानी कि हर आप इन्हें जहाँ भी दुनिया में देख रहे हैं ना ये हालो बेहाल, हर तरह से ना कोई मतलब कि कम्युनिटी तो दूर की बात है, कोई सिस्टम ही फैमिली सिस्टम ही नहीं नजर आता किसी का, कोई सीधा पदरा किसी भी वे से आप जहाँ भी देख लें, अगर ये मेजोरिटी में जैसे लंदन में या यूके में सबसे ज्यादा है, ठीक है उधर शरिया ला ये शरिया कोर्ट के मुताबिक हम, तो उधर की गवर्नमेंट तो कहती है अब हमारे कहाँ कोर्ट भरेंगे, हमारे तो आगे टाइम नहीं है, हम कहाँ टाइम जाया करें इनकी बातें सुन के, इनके फैमिली केसेज हैं कि बच्चों की शादी की हुई है छोटे छोटों की, तो ऐसे करके
तो ये वो लोग भी नहीं इनको इनसे बात करके राजी हो करते हैं, ठीक है तुम मतलब कि अपना करो जो करना हमारे पास ना, ठीक है। तो इस हद तक हर वे में किया। और जहाँ तक है इसकी बात, जब आपकी मैंने पहले वीडियो देखी थी कुर्बानी की, तो वो कुर्बानी के ऊपर सब हर बंदा, यहाँ आप देख लें जो गरीब बंदा भी है ना वो भी बहुत सैड फील करता है कि कुर्बानी नहीं की। अब मेरे मैं आपको बताता हूँ जहाँ से मुझे हिट हुआ था ना सर थोड़ा सा, कि मेरे वाला साहब से एक दफ़ा बात हो रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो अपना मकान तो था, तो मैं परेशान हुआ थोड़ा। मैंने कहा हदीसों के अंदर तो हम ये देखते हैं, मैंने ये देखा है कि वो ऊपर कपड़ा लेते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, तो जब पाँव कवर करते थे तो सर मतलब कि हो जाता था, यानी इस और हुजरा था बिल्कुल छोटा सा। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा पापा जी मतलब कि पढ़ा, तो वो उधर से मुझे थोड़ी खटकनी स्टार्ट हुई, जहाँ से मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना कि मतलब कि यार ये अगर एक बंदा अल्लाह का नबी रसूल है तो उसकी क्या वजह होनी चाहिए इस दुनिया में, वो कैसी उसके पास मतलब कि चीज़ें होनी चाहिए या क्या उसका रूप अमल क्या होना चाहिए। तो अभी तक हम यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लम को तो हम देखते हैं इनको नबूवत के बाद सारी मिली हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी इक्तदार में आने के बाद मौलवी मदरसे के उसको सारा चंदा और वो मोटरसाइकिल भी बना लेता है, हर चीज अपनी इधर उधर चलता है। एक मतलब के बात कर रहा हूँ कि वो सारा निज़ाम मतलब के बाद में नबूवत के बाद दावा करने के बाद हुआ है, जो भी इन्हें बेनिफिट हुए, बाकी भी जितने भी वो हैं हमारे नबी आते हैं उनका भी मतलब के नबूवत के दावे के बाद इनका ज्यादा चर्चा हुआ। तो ये बातें आपके साथ और भी बहुत बातें करने का दिल है, कि क्योंकि मुझे तो अगर मैं देखता हूँ आप ऐसी पर्सनैलिटी लगते हैं जिनका मेरा दिल करता है कि बैठ के आपसे बातें की जाए या आपकी कंपनी हासिल की जाए किसी वे में, तो मतलब टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं लाइव टाइम मैच नहीं होता तो कभी कभी मैं उसमें आ जाता हूँ, नहीं तो मैं आपके लेक्चर्स कोई चलें भी चलें जनाब, अच्छा ना। लगा जो है, आप आते रहिए। अच्छा, हमारे कुरान इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, कुरान वाला जी, एक्चुअली आई वांट टू अपोलोजाइज विद यू फॉर अवर लास्ट डिस्कशन, वी बिकेम हार्श ड्यूरिंग द आर्गूमेंट। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी की बात, किसी की भी कोई भी बात का मैं बुरा नहीं मनाता। मैं जो है उसको इस एंगल से नहीं लेता। भाई आपको अपनी हर बात कहने का हक है, यानी आप चीज़ों को जिस एंगल से देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि हो सकता है मेरी बातें आपके हिसाब से गलत हैं, और फिर एग्जैक्टली यही मामला है कि जो है मैं जिस एंगल से बातों को देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से आपकी बातें गलत हैं, तो ये तो हो सकता है ना भाई, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें कि जो कि इंसानियत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे भाई हैं इंसानी एतबार से भी, और फिर जो है जाहिर बात है कि अखलाकी एतबार से भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ। हमारे नज़रियाती तौर पर अगर इख्तलाफात हैं भी तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो है हम आपस में कोई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। नहीं, दुश्मन बिल्कुल नहीं है। इख्तलाफ होना कोई गलत बात नहीं है, इख्तलाफ राय हो सकता है, मगर दुश्मनी करना, नफरत करना ये गलत बात है। और फिर इस्लाम का जो है जो सबसे बड़ा जो है जो मेरे नज़दीक जो मसला है कि वो नफरतें सिखाता है, ये है असल बात। तो चलें हमारे डीपर साहब भी आए हैं, तो ठीक है बेटा, एंशियंट स्क्रिप्चर, बहुत बहुत जी शुक्रिया सर, आपका, आप आगे भी आइए। जी तो जरूर डीपर सर, साहब आए हैं तो हम उनसे बात करेंगे, अगर उनका माइक ठीक रहा तो हम उनसे बात करेंगे, नहीं तो फिर मैं यहाँ एंड कर दूंगा। मैं 1 घंटे की स्ट्रीम रखना चाहता था, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। डीपर साहब, अगर साहब अगर आपका माइक, आपका माइक, अरे यार अरे वही यार प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम हो गया, माइक माइक कर लिया ना मैंने, नहीं हुआ नहीं यार, हुआ यार, मैंने अभी नहीं हुआ, सेटिंग करके आया हूँ सर, अभी सेटिंग में नहीं आया, बैठा था, नहीं आया, नहीं आया, मुझे भी तकलीफ हो अच्छा, रही है यार। अच्छा, आप यार ऐसा करेंगे, हेडफोन हेडफोन सुनो सर, सुनो आप सर, हेडफोन आप निकाल दो, हेडफोन निकाल दो, हेडफोन निकाल दो या हेडफोन हेडफोन लगा लगा लो दो। अच्छा 1 मिनट, अच्छा अगर आपका आपका हेडफोन लगा हुआ लगा है हुआ निकाल है दो, निकाल दो, अगर नहीं अगर लगा नहीं हुआ है लगा तो हुआ लगा है दो। तो लगा दो, ये आखिरी ये हम जो है आखिरी हम ट्राई जो है करेंगे। ट्राई करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही, निकाल दिया मैंने।
मगर वही प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कर रहा हूँ कोशिश, नहीं मेरी आवाज मुझे कट आ रही है और आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। हेडफोन भी निकाल दिए, पता नहीं कुछ तो एक टेक्निकल इशू है क्या है नहीं पता नहीं। दो तीन वक्त हुआ ऐसा, मैं मुझे खुद परेशानी महसूस कर रहा हूँ, आपसे डिटेल बात नहीं हो पा रही है मुफ्त। हाँ मेरे भाई, असल में क्या हो रहा है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ मैं वीडियो देखा हूँ, जो मैं आपको जो बात करता हूँ, मैं जब से रिपीट जब देखता हूँ तो आपकी बात रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसमें जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जी जी, बहुत ज्यादा मेरे जो है वो फुल करके आ रही है, ऐसा हो रहा है। हालांकि मैं खुद भी आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। यानी देखें, आप मेरे भाई हैं और जो है मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपका एहतराम करता हूं, ठीक है। नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, नजरियाती जितने भाई यहां आते हैं मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे अगर नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं तो मैं उसके बावजूद उनका एहतराम करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए भाई हैं। इख्तलाफ होना कोई गलत बात नहीं है ना मेरे भाई। हो सकता है कि जो है जिस चीज को जिस एंगल से मैं देख रहा हूं मुझे वो चीज सही नजर आ रही है, इसलिए मैं उसको अपने हिसाब से कह रहा हूं, और हो सकता है कि आप एक दूसरे एंगल से उसको देख रहे हैं इसलिए आपको वैसा नजर आ रहा, तो ये इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन इस एंगल की वजह से हम आपस में एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नफरत करने का हमको हक नहीं है। इंसान का असल कमाल यह है कि वो मोहब्बत करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। मोहब्बत का पैगाम ही असल पैगाम है। नफरतों वाला मामला ये असल में इंसान को जो है जानवर बना देता है, जानवर बना देता है। तो बहरहाल ठीक है, अभी जो है हमारे एक और भाई हैं, अली अली करके कहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या हाल है आपका सचवाला साहब? जी मैं ठीक हूँ, क्या कहना है भाई आपको? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इनकी तस्वीर लगाई हुई है, इनका नाम डॉक्टर असरार अहमद साहब है, ये मेरे घर के पास ही रहते हैं, इनके बच्चे इनका रहते थे। जी जी रहते थे, उसकी फैमिली रह रही है ना, उसके बच्चे रह रहे हैं अब। अच्छा, जी तो ये मेरे घर के पास ही रहते हैं पाकिस्तान में, मेरा काफी इनसे सलाम दुआ थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी इनके साथ, बड़े अच्छे इंसान थे। लेकिन मुझे सचवाला साहब एक बात की समझ नहीं आई। जी ये हमेशा टीवी के ऊपर मुसलमानों से झूठ क्यों बोलते थे, मुझे समझ नहीं आया आज तक। अब आप कहेंगे झूठ कैसे, देखें मेरी बात सुना जी, अगर आपका जो भी मजहब है, मेरा जो भी मजहब है, मुझे इस्लाम से कोई मसला नहीं है, इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, मैं इस्लाम की इज्जत करता हूँ, आज मैं सल्लम की भी इज्जत करता हूँ, और सिर्फ सल्लम की मैं किशन भगवान की भी बड़ी इज्जत करता हूँ, राम की भी इज्जत करता हूँ। हर दीन मेरे लिए सच्चा है, इस्लाम मेरे लिए सच्चा है, क्रिश्चियनिटी मेरे लिए सच्ची, लेकिन हाँ सिर्फ इस्लाम ही नहीं सच्चा, मेरे लिए सारे सच्चे। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान शायद दीन को नहीं समझ सके। बात यह है कि ये जब कभी तबलीग करते थे तो ये एक बात करते थे, जनाब हजरत यूनुस अलैहि सलाम का पता है आपको? जी ये कहते थे कि जी यूनुस अलैहि सलाम की जब बात आती थी ना कि वो मछली के पेड़ में कितने दिन रहे, तो ये कहते थे कि जी मछली तौरात में लिखा है कि यूनुस अलैहि सलाम मछली के पेड़ में 3 दिन रहे। अब मेरा ये पॉइंट जरा समझिएगा, ये पॉइंट मैं आपसे बड़ी गहरी, क्योंकि ये एक आलम के मुंह से बातें शोभा नहीं देती। अगर आप और मैं ये बात करें ना तो बात समझ में आती है कि सचवाला साहब आपसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, लेकिन एक आलम से ये चीजें शोभा नहीं देती। क्योंकि बाइबल के अंदर तौरात का जमाना तो यूनुस अलैहि सलाम से बहुत देर पहले का है। तौरात के अंदर तो यूनुस अलैहि सलाम का तो अपना सहीफ है, सेम गलती, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी इन्हीं के शागिर्द हैं, तो सेम गलती वो दोहराते हैं। कभी आप उनका हजरत यूनुस का क्लिप सुन ले, वो भी यही कहेगा कि तौरात के अंदर लिखा है। तो मैं ये बात जान करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो स्कॉलर हैं
جو دعوے کرتے ہیں اسکالر بننے کے, اسکالر ہونے کے, دین کے ٹھیکیدار ہیں, کیا ان کو عقل شعور نہیں ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن پر جو ہے خود میرا بھی اعتراض ہے ان کو لے کر, لیکن بہرحال اب یہ معاملہ ہے, ایسا کیا کیا جائے. چلے میرے بھائی علی صاحب بہت بہت شکریہ, ابھی اور بھی کچھ لوگ آئے ہیں, میں ان سے بھی بات کر کے ابھی جو ہے اینڈ کروں گا. تو ویسے آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو اب کیا کیا جائے, اب ہمارے جو ہے یہ لیڈر ہیں, ہمارے یہ بڑے وائز ہیں, مقدر ہیں, مسلمانوں کے جو ہے بڑے چہیتے ہیں, مگر یہ سارے مسئلے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے. چلے بہت بہت شکریہ میرے بھائی. سچ والا صاحب, قرآن والا جی, مسلمانوں کو کیا کہاں چاہیتے ہیں؟ مسلمانوں نے تو جب انہوں نے بیان دیا کہ حضرت علی نے شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی, تو مسلمان تو اس کو مارنے پہ آگئے تھے یہاں پہ پاکستان میں, گندی گندی گالیاں دی تھی اس کو. نہیں, اصل میں مسلمانوں کا ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے سامنے اگر خود اللہ میں آ جائیں, جی جی, خود اللہ میں آ کر بتائیں کہ میں اللہ ہوں اور دیکھو تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے, تو جو ہے وہ اللہ میاں کو بھی کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھیں گے, کیا کریں بتاؤ, کیا کریں؟ چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ, جی بہت بہت شکریہ. اچھا ایک اور ہیں کہ ہمارے غیاث الدین بلبن, بلبن جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سچ والا جی, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں جی, بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی. جی آپ سے بات کر کے مطلب میں پہلی بار آپ کے اسٹریم میں جڑا ہوں, مجھے مطلب یہ کھل نہیں ہو رہا ہے, میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. تو میرا دراصل بیک گراؤنڈ ایک ہندو فیملی سے تھا, لیکن کیا تھا کہ جب میں, ہاں میں 15 برس کا تھا, تو مطلب میرے کو انفلوئنس کیا تھا کچھ لوگوں نے, ایسا مطلب کچھ جو باہر کی کنٹری سے آئے تھے, میں نام نہیں لوں گا کہ کون سی کنٹری کے, تو کافی لوگ جان جائیں گے میرے بارے میں. تو وہ جب میں اس کے پاس جاتا تھا, کیونکہ میں بچہ تھا اس ٹائم پہ, تو میں جب اس کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھ سے سوالات پوچھتا تھا کہ تمہارے دھرم میں کیا ہے اور یہ وہ, تو میں اسے ساری چیزیں بتاتا تھا. تو وہ بہت کرٹیسزم کرتا تھا مطلب ہندوازم میں, تو میں اس سے بہت مطلب بہت انفلوئنسڈ ہو گیا تھا میں اس سے, اور انفلوئنس ہوتے ہوتے میں اپنے گھر میں آتا تھا اور میں اپنے مطلب گھر میں سوال کرتا تھا, اور میں اپنے گھر والوں کو فورس کرنے لگا تھا کہ آپ بھی اسلام کو فالو کریں, یہ کریں, اور مطلب بہت زیادہ میں اس میں یہ چیز ہو گیا تھا. پھر جب میں 9th 10th کلاس میں آیا تھا, تو کچھ عربی مسلمان تھے جو جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ, میں اور ان اس چیز کے بارے میں جاننے لگا. تو پھر میں نے پھر اسلام ایکسیپٹ کر لیا, اور اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں ان کے گھر میں جاتا تھا اور یہ ساری چیزیں, میں نمازیں بھی پڑھتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا. میرے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں ہندوازم میں نے چھوڑ دیا اور میں اسلام دھرم میں قبول کر لیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اور تھوڑا جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ دراصل جی. کیونکہ تعریف کرتے تھے بہت ہی اپنے نبی کی, بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے, تو میں نے جب ساری حدیثیں پڑھی اور یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کری, تو مجھے ان کے بارے میں پتا چلا تھا کہ یہ کیسے لونڈیاں یہ سب چیزیں رکھتے تھے, تو میرے کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار لوگ تو یہ کچھ اور ہی بتاتے تھے اور مجھے اب میں پڑھ رہا ہوں تو بالکل الگ ہی چیزیں ہیں. تو اس میں بھی بہانیاں بازی ہوتی تھی کہ وہ نبی تھے اور ان کو یہ کرنا جائز تھا اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی تھی. بہت میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کری, اب ایسا نہیں تھا کہ میں ایک دم ہی مطلب اب تو میں خیر چھوڑ چکا ہوں اسلام کو, لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں ایک دن میں نے یہ چھوڑ دیا, 2-3-4 سال مجھے لگے تب جا کے مجھے سمجھ آیا کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل ڈاکٹرن ہے, صرف اور صرف ایک پولیٹیکل ڈاکٹرن ہے یہ, کہ کیسے آپ اپنی جن سنگ کس طریقے سے آپ اپنے اس آئیڈیالوجی کو بڑھاؤ گے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو کیپچر کرو گے, اس سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور اب تو خیر اچھی بات ہے کہ میں نے یہ مطلب دین چھوڑ دیا ہے, اور مطلب بہت میں اپنے آپ کو بہت فری فیل کرتا ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں, میں نے دوسرے کسی بھی ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, اور بس وہی میں آپ کو سامنے آج ایکسپریس کر رہا تھا یہ ساری چیزیں یہ کس طریقے سے. چلیے میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے اپنی باتیں شیئر کی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی جی جی. اچھا ایک بھائی ہیں ہمارے مسلم کر کے,
क्या कहना चाहते हैं भाई मुस्लिम जी? आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। अरे यार चले गए आप, आए भी और चले भी गए। अच्छा, कुरान इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहते हैं जी। भाई क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए जी। हेलो कुरान वाला जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं मेरे भाई, क्या कहना है आपको? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ दिन वाली स्ट्रीम के हवाले से। नहीं मेरे भाई, माजरत की जरूरत नहीं है, आप मेरे भाई हैं, मैं जो है आपकी इज्जत करता हूँ, माजरत की कोई बात ही नहीं है हमारे सब। वो तो मैं कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, ये बात याद रखें, कभी भी नहीं मानता जी। ये आपका बड़प्पन है और थैंक यू वेरी मच, आपने लिया है। अच्छा, ये इस हवाले से तो ये आपकी बात सही है कि ये जो हमारी हिस्ट्री है जो हमने पढ़ी है ये तो सारी। अच्छा थोड़ा सा ऊंचा बोलिए सर, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम है। अब आ रही है आप? हाँ ऐसी ऊंचा बोलिए जरा, माइक के करीब आकर जी। मेरा गला भी ठीक नहीं है तो थोड़ी तकलीफ। अच्छा, हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी जी। हाँ तो मैं ये कहना कह रहा था कि ये जो हैट्रेट के हवाले से तो ये हमारी तारीख बड़ी पड़ी है और खुद ही वो आपस में एक दूसरे से नहीं बनते थे, वो खिलाफत पे जो मामला शुरू हुए तो आज दिन तक, और ये जो इसका जो मजहब का जो पॉलिटिकल जो फेस है वो तो इतना गंदा है कि वो इंसानियत से ही दूर लेके। Exactly, तो बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता ना भाई, क्या करें। हालांकि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ कहना भी नहीं चाहते, लेकिन जो बातें हम अपने ग्रेबान में जहां कर देखते हैं, जाहिर बात है मैं जो है एक मुसलमान, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मेरे सारे लोग प्रैक्टिसिंग, कट्टर प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, और फिर जो है मैं एक बहुत लंबे अरसे तक मैं खुद भी मुसलमान रहा, मोमिन रहा। अब मसला यही है ना कि जी 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 बोलिए सर। हाँ, ये जो जिन चीजों को ये होली कहते हैं उनकी भी हुर्मत नहीं करते, जब इनके हुकूमत की बात आती है तो ये काबे को भी गिरा देते हैं, उस पे भी घोड़े दौड़ा देते हैं, हमारे प्रॉफिट की फैमिली को तबाह कर दिया इन्होंने, तो सारा ये। और फिर मजे की बात ये है कि वो जो कहते हैं ना सर कि ये सब बिल्कुल पहली सदी में हुआ, जिसको सदर अव्वल कहा जाता है, खैरुल कुरूनी करनी कहा जाता है, यानी बेहतरीन सदी मेरी सदी। सर तो बेहतरीन सदी में सारे जो है करबला का वाकया उसी में हुआ है, ये जंग सिफीन है, जमल है, नहरवान है, ये सारे मामले, मतलब तीन चार खुलफा को जो है शहीद किया गया, और जो है किन के हाथों में शहीद हुए, किन के हाथों इनका कत्ल हुआ, खुद मुसलमानों के हाथों, आपस में जो है ये अजीब मामला है। और फिर जो है फिर ये कहना कि ये दीन रहमत है, ये रहमतुल लिल आलमीन का की तरफ से पेश किया गया है, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन लगती है मुझे, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, बिल्कुल। और इसमें तो आप तो वो कह रहे हैं लेकिन ये झगड़ा तो जब प्रॉफिट डेथ बेड पे थे वहीं से शुरू हो गया था। यही है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अंसार और वो महाजर तो आपस में वहीं, अंसार और मुहाजरीन का मामला, जी हाँ जी हाँ जी 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 जी, शुरू हो गया था। और उसमें जब हम जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं और थोड़ा सोचते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये इससे अच्छा तो ये चीजें होती ही ना। और फिर मजे की बात ये है ना सर कि जो है इन तमाम बातों को अल्लाह से, जो कि खालिक़े कायनात बताया जाता है, उससे जोड़ा जाता है। तो हैरत की बात यह है कि खालिक़े कायनात का दीन या खालिक़े कायनात का मामला ऐसा होता है, ये भी एक सवाल पैदा होता है ना आपके जहन में। अच्छा ये बात है, आपने डॉक्टर इसरार की फोटो लगाई हुई है तो उस सवाल से ये जो इनका जो नजरिया है और ये जो इनका जो वो तो सबसे रिजिड था कि सुप्रीमेसी की बात के सबको मार देंगे, सब हमारे पीछे आ जाएंगे, तो ये तो किसी को सांस ही नहीं लेने देते थे। एग्जैक्टली। हालांकि सच्ची बात यह है सर कि एक बहुत लंबे अरसे तक जो है मैं इनका फैन हुआ करता था, बहुत शौक से मैं इनको सुनता था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो है इनके अंदर एक ऐसा करिश्मा था, एक एक ऐसी जो है कैरिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, जब ये बोलते हैं तो एक तरह का समा बांध देते हैं,
सुनने वाला इनकी बातों में जो है मबहूत हो जाता, महू हो जाता। तो मेरा भी यही हाल था जी। आपने इनको लाइव सुना कभी नहीं? मुझे 3-4 बार इनको लाइव सुनने का मौका भी मिला, लेकिन जो सवालात होते थे कि भाई ठीक है लेकिन हम ही सुप्रीम है, ये कैसी बात है भाई, सारी एग्जैक्टली यही बात है। फिर तो यहूदी भी यही कहते हैं ना, भी वो उनके अंदर भी सुप्रीमेसी का जो है कीड़ा होता है ना यहूदियों में। अच्छा, तो ये यही बात है जी। मैंने इनको कोट की थी कुरान की आयत के, भाई अगर तुमने काम नहीं किया तो अल्लाह जो है तुमको बदल देगा दूसरे लोगों से, तुम बदल। हाँ, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही बात है। तुम जी क्या किया सिर्फ खून बहाने के और लोगों को फतेह करने के और झूठी बातों पे, इन्हें किसी तरह से छा जाना, दुनिया के एक बड़े हिस्से पर जो है अपनी सल्तनत कायम करना, यही तो काम किया है ना मुसलमानों ने, और क्या किया बताओ। अच्छा जी, हाँ अच्छा, सिंध सिंध के हवाले से आप देखें, जब मैंने हमला किया तो सिंध की पता नहीं कितनी औरतें बच्चों को लेके उन्होंने गुलाम के तौर पे भेजा, जब भेज डाला जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम, तो ये तो एक रूटलेसनेस थी, बारबेरिक था और उसको ये ग्लोरीफाई करते रहते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। आप आते रहिए और अगर कहीं मेरी कोई बात गलत है तो आप बरमला तौर पर मेरी गलती को आप जो है निशानदेही कर सकते हैं। सर आपको राइट है, आपको राइट है, हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है इसमें इसे यानी मेरी बातों को कबूल नहीं करना है ना आपको, मेरी बातों का आप रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरा राइट है आपको, पूरा राइट है। अच्छा, मैं भी आपकी तरह जो है ना कुरान का स्टूडेंट हूँ, ईमान बिलीफ में मैं नहीं हूँ, तो जी, वो जी, भी सर थोड़ा हो जाता है कि यार हम तो एक ही पेज पे हैं, फिर क्यों ये? जी 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 तो बहरहाल ठीक है, ये इंसान एक जिंदा इंसान की अलामत है कि वो इख्तिलाफ करेगा, जो लोग जहनी तौर पर मुर्दा होते हैं वो मान लेते हैं जी, लेकिन जो लोग जो है जिंदा है जहनी तौर पर वो इख्तिलाफ करते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ करना एक इंसान का कमाल है। जी हाँ, और एक बात तो ये भी है कि फिर हमें हिस्ट्री पढ़ानी भी पड़ती है, असल में मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो इस हवाले से भी तो कई कई बार कुछ चीजें जो है वो आ जाती है बीच में। जी 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 चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात कर कर। अच्छा, एक भाई है मुस्लिम, हम बात कर, अच्छा आप जो है तो आपके पास भी वही मसला है यार, अच्छा वही दीपक जी हैं आप, पूरी तो बात करिए कुरान वाला, पूरी तो बात करिए उनसे जी, बोलिए बोलिए जी, क्या आप के घर वाले लोग अभी भी मुसलमान हैं? जो जो आज का जो है जो बात है उस पर आपको क्या कहना है बोलिए जी, आज के टॉपिक क्या है बोलिए, क्या बात करना है, बात करना आप अपनी बात करें, क्या इस्लाम नफरत फैलाता है, ये आपका टॉपिक? भाई मैंने तो कुरान की आयतें पेश की ना, आपके पास इसके तोड़ पे क्या है बताइए, इसके तोड़ पे क्या है बताइए, कौन सी आयत पेश की आपने बताइए, कौन सी आयत पेश की मेरे सामने बताइए। आप الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة نہیں ماننے والے کو عتل من بعد ذلك زمین کہنا ان پر لعنت بھیجنا ان پر ملامت کرنا بالکل بے شک تمہارے اوپر بھیجتے ہیں لعنت تمہارے اوپر بھیجتے ہیں لعنت ہے نا ظاہر بات ہے جو لوگ نہیں مانتے تم چار چار شادیاں کر لیتے ہو یعنی اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جب کسی ایک فضول سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے میں ایسے لوگوں سے کیا بات کروں گا کیا بات کروں گا ان کے پاس نہ تو کوئی تاریخ کی نالج ہے نہ تو قرآن کی نالج ہے نہ تو قرآن کی لسان جانتے ہیں
कुछ भी नहीं जानते यार, सिर्फ जो है आकर फालतू उटपटांग बातें करने लग जाते हैं, क्या बात करेंगे। तो चलें भाई, अभी मैं जो है एक आखिरी कॉलर को लूंगा। जी क्या कहना चाहते हैं रशेक? रशेक जी क्या कहना है? नहीं थोड़ा लेट जॉइन हुआ, क्या टॉपिक? अरे यार आप, नहीं टॉपिक कुछ नहीं, बहरहाल मैंने अपनी बातें की थी। मैं आज चाहता था कि एक घंटे की जो है कुछ टॉक की जाए, तो कुछ लोग ज्वाइन हो गए, तो चले ठीक है। अब आपको कुछ कहना है जो जो करंट इश्यूज हैं उस पर? मुझे जो मिडिल ईस्ट पे जो है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, बोलिए। कुछ कहना है आपको, कुछ ऐड करना है? मैं तो सुना नहीं आपने क्या बोले, मैं लेट ज्वाइन हो गया। ठीक है चले, कोई बात नहीं। मेरे को कुछ सवाल थे सिर्फ आपके से जी, ये कि आप अभी अब्दुल हमीद के स्ट्रीम पे बातें नहीं थी, वही पूछना था कि क्या हो गया। नहीं नहीं बस, पर ये बातें जो है ये कोई जरूरी नहीं है, इसका जवाब देना भी जरूरी नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको मैं जो काम कर रहा हूँ इस पर आपको अगर कोई सवाल है तो उस पर जो है सवाल करें, ठीक है? नहीं सवाल तो था, मैंने पूरा आपका स्ट्रीम देखा नहीं तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, कुछ बोल सकते हैं आप जो है, नेक्स्ट टाइम कभी आइए आप, मैंने जो बात आपको कहनी है उसके एक सवाल फ्रेम करें, ठीक से फ्रेम करके आप आइए, ठीक है मेरे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों, आज हम यहीं एंड करते हैं, अब तकरीबन 2 घंटे होने आ गया। तो जो बातें मेरे अंदर थीं और जो है मैं जिनको लेकर बड़ा बेचैन रहता था, मैं चाहता था कि जो है हमारे मुसलमान भाइयों तक उन बातों को पहुंचाया जाए, तो मैंने अपनी कोशिश की और मैं अपनी कोशिश करता रहता हूं। अब जो सोचना समझना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी बातें होती हैं, लेकिन अब जो लोग सोचना समझना नहीं चाहते, सिर्फ मानना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, तो बहरहाल उनके लिए तो मेरी बातें हैं भी नहीं। ये मैं हमेशा क्लियर करता हूं। तो आज मैंने जो कुछ कहा इस पर उनको आप गौर से सुने, उन पर जो है गौर करें, सोच विचार से काम लें। तो कल परसों जो है आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम।